नमिउनने मिनाहं सच्चजुइट्ठिरणमौसियंगिजुगं बन्धुदयसत्तजुत्तं ठाणसमुक्कीर्तणं ओच्छं सुबह अपने नाम कर्म है मोहनीय कर्म के उदय स्थान देखे थे। कुल उदय स्थान अपने सब गुण स्थानों में देखे। कुल उदय स्थान 9 है, 10 से लेकर के 1 तक, केवल 3 नहीं है। और हर एक गुण स्थान में कितने उदय स्थान है वो कुट की अपेक्षा से भी वहाँ देखा। उसी को अभी यहाँ पर गाथा में सब कितने कुल स्थान होते हैं और उसके भंग कितने होते हैं ये सब बताएंगे। एक बार अपन पहले बोर्ड पर देखते हैं, फिर 89 नंबर गाता है। पुविल्ले सुवि मिलि दे अड़चौ चतारि चदुसु अट्टेव चतारि दोन्नेकम् ठाणामिच्छादि सुहुमन्ते। प्रत्येक गुणस्थान में भय जुगुप्सा से सहित, भय से सहित या केवल जुगुप्सा से सहित या दोनों से रहित, ऐसे चार चार कुट बताए। और पहले गुणस्थान में बताया वहाँ पर अनंतानुबंधी के उदय से रहित भी अवस्था है, तो उसमें चार कुट होते हैं क्योंकि वह मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, तो उसमें एक एक प्रकृति कम होती है। और चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान में वेदक सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक्त्व प्रकृति है और शायिक और औपशमिक की अपेक्षा से सम्यक्त्व प्रकृति नहीं है, तो उससे रहित। तो इस प्रकार वहाँ पर और चार चार कुट होते हैं, तो उन दोनों में मिलाकर के कितने हुए वो बता रहे हैं यहाँ पर। पुविल्ले सुवि मिलि दे, पूर्व जो है स्थान उसमें मिलाने पर पहले गुणस्थान में अड़ हुए मतलब 8 हुए, दूसरे में 4 मतलब 4 हुए, तीसरे में 4, चौथे में चतुसु, चौथे पांचवे छठे और सातवें गुणस्थान में 8-8 स्थान हुए, और चतारे दोने एकम ठाना, फिर उसके बाद 8वें गुणस्थान में 4 हुए और 9वें गुणस्थान में 2 हुए और 10वें गुणस्थान में 1 स्थान हुआ। इस प्रकार मिथ्यादि सुमन्ते, मिथ्यादि गुणस्थान से लेकर सूक्ष्म पर्यंत उसको अपन देखते हैं यहाँ पर। और एक बार अच्छा, और पुनरुक्त उदय स्थान कितने होते हैं वो निकालना है। तो पहले गुणस्थान में 8 कुट की है, तो उसमें पहले कुट में प्रकृति की संख्या है 10, फिर है भय जुगुप्सा सहित, ये भय केवल भय सहित, केवल जुगुप्सा सहित और दोनों से रहित, ऐसे 4 हुए। फिर अनंतानुबंधी रहित 9 का स्थान हुआ और उसमें दोनों है भय जुगुप्सा सहित, भय सहित केवल भय रहे जुगुप्सा सहित और दोनों से रहित, ऐसे स्थान कितने हुए 8 हुए। कुल स्थान 8 हुए और इसमें अपुनरुक्त स्थानों की संख्या कितनी हुई 10, 9, 8 और 7, 4 हुए। सपुनरुक्त लेके, हाँ अपुनरुक्त और सपुनरुक्त देखने, और चाहिए ना यहाँ पर। स्थान संख्या है और ये प्रकृति की संख्या बताएं कि अपनरुक्त स्थानों की प्रकृति कितने हो गए 10, 9, 8 और 7। फिर दूसरे गुण स्थान में 9, 8 और 7, 8-8 और 7, ये चार कुट हुए।
तो इसमें कुल स्थान हुए 4 और पुनरुक्त स्थान संख्या हुई 3। वो कौन कौन से आएंगे? 9, 8 और 7 में से आएंगे। हाँ, तो प्रकार कहेंगे ना, उसके प्रकार कहेंगे। अब तीसरे गुणस्थान में 9 ही है, 8, 8 और 7, उसमें कुल स्थान 4 और पुनरुक्त स्थान 3, 9, 8 और 7। चौथे गुणस्थान में 9, 8, 8, 7, 8, 7, 7 और 6, ये 8 स्थान हुए, उसमें कुल स्थान 8 हुए और पुनरुक्त स्थान 3 हुए और संख्या कौन से 3 हुए? 8, 7 और 6 प्रकृति स्थान। तो अपनरुक्त स्थान 4 बताने पड़ेंगे ना, 4 होंगे बराबर है, 9, 8, 7 और 6, 4 है ना, वो ये 9 है ना। संयुक्त प्रकृति सहित, संयुक्त प्रकृति सहित और ये संयुक्त प्रकृति रहित है 8, तो एक ही बार आया ना। नहीं, 9 इसमें कुल स्थान कितने हुए, मतलब बार बार ने एक ही स्थान बार बार नहीं लेना, तो 9 का एक स्थान हुआ, 8 के 3 है लेकिन इसमें एक ही लिया, 7 के 3 है लेकिन एक ही लिया और 6 का एक, ऐसे 9 पांचवे गुण स्थान में 8, 7, 7, 6 फिर 7, 6, 6 और 5, ये सब प्रकृति अपन एक शब्द सवेरे देखिए, यहाँ पर अनंतानुबंधी कम हुआ है, यहाँ पर अप्रत्याख्यान कषाय कम हुई है, फिर अगले छट्टे में यहाँ पर प्रत्याख्यान कषाय कम हुई, और यहाँ लेती हूँ 6, 6, 5 और 6, 5, 5 और 4, यह संयुक्त प्रकृति सहित रहित है और यह संयुक्त प्रकृति सहित है, ये 4 स्थान संयुक्त प्रकृति सहित के हैं और ये संयुक्त प्रकृति रहित के हैं। ऐसे यहाँ पर सातवें गुण स्थान में भी कोई कम नहीं होगा, स्थान यही रहेंगे, इसमें प्रकृति की संख्या भी भिन्न भिन्न नहीं है, समान ही है। तो यहाँ पांचवें गुण स्थान में कुल स्थान 8, छठे में भी 8, 8 सातवें में भी 8 और सब में अपनरुक्त 4-4 ही आएंगे, और यहाँ पर चौथा गुणस्थान हुआ ना, पांचवा गुणस्थान 8, 7, 6 और 5 हो जाएगा, छठे गुणस्थान में 7, 4 इसमें है, 7 छठे और सातवें गुणस्थान में है, 6, 5 और 4 इसमें भी यही होंगे, सातवें गुणस्थान में 7 प्रकृतिक, 6, 5 और 4। अब आगे आठवें गुणस्थान में, वहाँ पर ये 4 नहीं होंगे, केवल संयुक्त रहित ही 4 होंगे, इस प्रकृति यही ही रहेगी, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं है, तो 6, 5, 5 और 4 हुए, तो कितने स्थान हुए? 4 स्थान हुए, इसमें अपनरुक्त 3 है, 6, 5 और 4 हुए। अब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 2 का एक प्रकृति स्थान है और 1 का एक है, तो यह 2 ही कुल स्थान है और 2 ही अपनरुक्त है, 2 और 1 का स्थान है। दसवें गुणस्थान में 1 प्रकृति स्थान है, सूक्ष्म लोप 1 ही स्थान है, 1 ही अपनरुक्त और 1 ही प्रकृति है यहाँ पर। अब अपने को ये देखना है कि यहाँ पर 10 के कितने प्रकार हुए, 9 के कितने प्रकार हुए, 8 के कितने, 7 के कितने हैं प्रकार हुए, सब लेकर के। तो अभी देखा तो 10 के कितने हुए, यहाँ पर 1 ही स्थान है, तो 10 के कितने होंगे, 1 ही प्रकार हुए, यह लिखती हूँ आगे।
एक है। अब नौ के प्रकार कितने हुए देखो, पहले गुणस्थान में तीन हुए, ये यहाँ पर भय सहित, ये जुगुप्सा सहित और ये भय जुगुप्सा सहित यहाँ पर अनंतानुबंधी रहित हुआ। एक दो तीन, यहाँ पर चार, ऐसे यहाँ पर और ये दोनों समान ही है, यहाँ पर भी अनंतानुबंधी नहीं, समान नहीं है, यह अनंतानुबंधी रहित है और ये अनंतानुबंधी सहित है, ये मिथ्यात्व रहित है, ये मिथ्यात्व सहित और ये मिथ्यात्व रहित है, बराबर एक फर्क है इसमें, यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं है, है यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं है, यहाँ पर अनंतानुबंधी नहीं, यहाँ पर अनंतानुबंधी है। तो नौ, एक दो तीन चार पाँच छ, कितने होंगे नौ के, नौ के प्रकार छः प्रकार हुए, पहले गुणस्थान में तीन, दूसरे में एक, तीसरे में एक और चौथे में एक, ऐसे छः प्रकार हुए नौ के। प्रकार आठ के कितने प्रकार हुए देखो, यहाँ पहले में तीन, एक दो और तीन, दूसरे में दो मतलब पांच हुए, तीसरे में दो सात हुए, चौथे में तीन हुए, दस हुए और यहाँ पांचवे में एक, ग्यारह प्रकार हुए आठ के। हाँ, इसमें ये मिथ्यात्व सहित और भय जुगुप्सा दोनों से रहित है, यहाँ पर अनंतानुबंधी रहित और भय से सहित और जुगुप्सा से सहित है, यहाँ पर इसमें भी पुनरुक्त होंगे थोड़े, वो बाद में निकालेंगे उसको, अब पुनरुक्त को। तो यहाँ पर भय से रहित और जुगुप्सा से, भय से सहित और जुगुप्सा से सहित है, इसमें जो है तीसरे गुणस्थान में यह अनंतानुबंधी रहित है, यह अनंतानुबंधी सहित है, इसलिए इन दोनों में फर्क है। फिर यहाँ पर यहाँ अनंतानुबंधी रहित ही स्थान है, तो यहाँ और ये यहाँ मिश्र प्रकृति या सम्यक्त प्रकृति है, यहाँ पर तीसरा गुणस्थान है ना, यहाँ मिश्र प्रकृति है और यह सम्यक्त प्रकृति है, और यह सम्यक्त प्रकृति रहित है, और यहाँ पर सम्यक्त प्रकृति सहित है, और लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष अनावरण से रहित है, ऐसे कुछ ना कुछ उसमें फर्क है। तो कितने हुए आठ के प्रकार, ग्यारह हुए। सात के प्रकार देखो, यहाँ पर यहाँ पर पहले में अनंतानुबंधी रहित स्थान ही है, मिथ्यात्व सहित है, ये मिथ्यात्व रहित और अनंतानुबंधी सहित है, यहाँ पर ये अनंतानुबंधी रहित है, मिश्र सहित है यहाँ पर। फिर यहाँ चौथे में जो है वहाँ पर अनंतानुबंधी रहित है, सम्यक्त प्रकृति सहित है, और यहाँ ये दोनों सम्यक्त प्रकृति रहित है, यहाँ पांचवे में जो है वहाँ पर अप्रत्यक्ष अनावरण से रहित है, और सात यहाँ पर जो है यह है ये सम्यक्त प्रकृति से रहित है, और ये सात और यहाँ सात, हाँ ये पुनरुक्त है दोनों भी, मतलब यहाँ एक तो अपुनरुक्त लेंगे और एक पुनरुक्त में आएगा, लेकिन कुल प्रकार कितने हुए सात के, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह प्रकार हुए, उसमें एक ही स्थान जो है वो पुनरुक्त है, बाकी सब प्रकृतियों में अंतर है। सात के ग्यारह प्रकार हुए, यह मैं लिखती हूँ, पुनरुक्त दस और पुनरुक्त एक, आगे का अपना श्रम कम होगा इसलिए यहीं पर निकाल रही हूँ, बाद में वापस वो निकालने वाले हैं। अब सात के बाद छः का स्थान है, तो पहले तीन गुणस्थान में छः है ही नहीं, चौथे से चालू हुआ, ये छः का पहला प्रकार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, कितने हुए प्रकार, छः के ग्यारह प्रकार हुए। अब इसमें अपुनरुक्त और पुनरुक्त देखो, तो यहाँ चौथे में क्या है, ये समय तो प्रकृति रहित ही है और अनंतानुबंधी रहित है, अप्रत्यक्ष अनावरण से सहित है, यहाँ पर
और ये भय जुगुप्सा रहित है, और यहाँ पर जो है वह अप्रत्याख्यान आवरण से रहित है, क्योंकि चौथे में और पांचवे में एक हो ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर कैसे अलग है, इसलिए सब स्थान यहाँ पर अपुनरुक्त ही होंगे चौथे और पांचवे के। तो ये छः 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 ये चारों क्या होंगे, अपुनरुक्त। और अब छठे में है तो वो भी अपुनरुक्त, क्योंकि यहाँ प्रत्याख्यान और कषाय और प्रत्याख्यान और कषाय नहीं है, और ये भय सहित जुगुप्सा सहित और ये दोनों से सहित समेत तो प्रकृति रहित हैं, तो ये सब अपुनरुक्त हुए। अब सातवें छठे में जो स्थान है वे ही सातवें में है, कुछ अंतर नहीं है, तो सातवें के जो है वो पुनरुक्त हो जाएंगे। ये जो छः वो ही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, मतलब छठे में जो है वही सातवें में है, इसलिए एक दो तीन और ये आठवें का ये और ये पुनरुक्त पुनरुक्त ही होंगे ना, आठवें में भी कोई अंतर नहीं है। नहीं नहीं यहाँ समय तो प्रकृति, यहाँ समय तो प्रकृति नहीं ना, एक शायिक की अपेक्षा से ही है, इसमें केवल एक संजोलन कषाय, एक पुरुष वेद, हास्य रति और भयजुगुप्सा, इतना या शोकारति ले लो तो इतने ही है, तो इसलिए ये तीनों समान है, इसलिए तीन में से एक ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर ये दो पुनरुक्त हो गए, मतलब तीन पुनरुक्त हो गए, चार चार, एक दो तीन चार, यही दो यहाँ पर है, यही ये दोनों जगह है। तो छः के प्रकार कितने हुए थे, ग्यारह, तो उसमें अपुनरुक्त कितने हुए, सात अपुनरुक्त हुए और चार पुनरुक्त हुए। अब पांच के स्थान कहाँ कहाँ पर है देखो, पांचवे गुण स्थान से पांच प्रकृति का उदय स्थान चालू हुआ, इतना वो याद रखना कि छह प्रकृतिक स्थान तीन गुण स्थान में नहीं है, चौथे से है, पांच प्रकृतिक स्थान पांचवे गुण स्थान से है, उसके पहले नहीं है। तो यहाँ ये पांच प्रकृतिक है, यहाँ पर ये सम्यक्त्व रहित और भय जुगुप्सा से रहित है, और यह सम्यक्त्व सहित है, इतना अंतर है दोनों में, और यहाँ पर सम्यक्त्व रहित है लेकिन एक एक से ही सहित है, हाँ प्रत्याख्यान कषाय रहित है, और यहाँ पर ये पांच का स्थान और ये समान है। पहले पांच के कितने हुए पहले गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ स्थान हो गए पांच के, हाँ पांच के नौ स्थान। अब उसमें पुनरुक्त कितने हुए वो देखो, छठे और सातवें में वही होते हैं, तो ये पांच है वही यहाँ पर है सातवें में, और जो छठे में ये दो है वही यहाँ पर है, और वे यहाँ पर है, इसलिए एक दो तीन चार और पांच स्थान क्या हो गए, पुनरुक्त हो गए। तो चार अपुनरुक्त और पांच पुनरुक्त स्थान है। फिर दो प्रकृतिक चार प्रकृतिक स्थान कितने हैं, एक दो और तीन, और इसमें एक ही अपुनरुक्त है, ये दोनों भी छठे सातवें और आठवें गुण स्थान के सब पुनरुक्त है ना, जो छठे में वे सातवें में और आठवें में है, इसलिए चार के कुल स्थान तीन ही हुए ना, उसमें अपुनरुक्त स्थान एक होगा और पुनरुक्त स्थान दो है। अब दो का एक ही स्थान है, उसमें भी वो दो लिए शायद, वो एक पांच के बंद स्थान में और चार के बंद स्थान में, ऐसा जो आगे भंग बनाए ना वहां पर दो अलग अलग भंग बनाए, जब तक पांच का बंद होता है तब तक दो का उदय और चार के बंद में दो का उदय, ऐसे दो अलग किए हैं, लेकिन वो भी पुनरुक्त हो जाते हैं। तो दो के प्रकार एक ही के है ना, एक एक ही के है। ए दो का एक ही प्रकार है, एक का एक ही प्रकार नहीं, ए दो और एक है, तो दो का प्रकार एक, एक का प्रकार भी एक ही की है। ऐसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, लेकिन उसका सूक्ष्म लो भरो अलग लिया नहीं, नवे गुण स्थान में एक है और दसवें गुण स्थान में एक है,
कुल दो होना चाहिए था ना वहाँ पर, एक के प्रकार दो होना चाहिए ऐसा। इसमें देखते कितने लिए। एक ही लिए ऐसे। वहाँ भी सब आगे आने वाले हैं। दस नव नवादि चौतीय ते ठाण नवट सग सगादि चौ ठाणा छादिति अंचय चदवी सगदा अपोति। कौन कौन से स्थान हैं वे बता रहे हैं, आठ आठ स्थान के, और एक पहला गुण स्थान और चौथे पांचवे छठे सातवें में आठ आठ स्थान के ना, तो उसमें कौन कौन से स्थान है वो बता रहे हैं। दस नव नवादि चौतीय ऐसा लगाना, पहले गुण स्थान में दसादि चौ, दस आदिक चार, मतलब दस नौ और आठ, दस नौ आठ ऐसे होंगे। फिर नवादि तीय अपनरुक्त ही बता रहे हैं, दूसरे गुण स्थान में नौ आदिक तीन, नौ आठ और सात। तीसरे गुण स्थान में भी नवादितीय, मतलब नौ आठ और सात, ये तिठान मतलब तीन गुण स्थानों में हो गए। फिर चौथे गुण स्थान में नवादि चौ, फिर अट्टगादि चौ, सगादि चौ, सगादि चौ, ऐसे लगाना क्रम से। एक पूरे गाथा में पूरा जो नक्शा है ना पूरा बताया है। फिर चौथे गुण स्थान में नौ से लेकर के चार स्थान, पांचवे गुण स्थान में आठ से लेकर के चार स्थान, मतलब नौ आठ सात छः किए थे चौथे गुण स्थान में। फिर पांचवे गुण स्थान में आठ सात छः और पाँच। फिर छठे गुण स्थान में सगादि चौ, सात छः पाँच चार। फिर सातवें गुण स्थान में सगादि चौ, सात छः पाँच चार, ऐसे ये ठाणा इस प्रकार स्थान है। फिर उसके बाद छादितीयम, आठवें गुण स्थान में छः से लेकर के तीन स्थान, छः पाँच चार। फिर ये सभी आठवें गुण स्थान तक के स्थान बता दिए, और इन सब स्थानों के भंग कितने होते हैं, चौबीस, प्रत्येक स्थान के चौबीस भंग होंगे। जितने भी बताए स्थान प्रकार उन सबके एक एक के चौबीस, क्योंकि पहले गुण स्थान से लेकर आठवें गुण स्थान तक चारों कषायों का उदय है, और तीनों वेदों का उदय है, और हास्य युगल या अर्थ युगल इनका उदय है। इसलिए चार कषायों को तीन वेदों से गुना किया तो चार तिया बारह हुआ, और उसको हास्य रति हास्य युगल और अर्थ युगल से गुना किया, मतलब दो से गुना किया तो बारह दुनी चौबीस। इस प्रकार हर प्रत्येक स्थान के चौबीस चौबीस भंग होंगे, क्योंकि सब कूट किए तो सब में चार तीन और दो आए ही है ना, तो इसलिए हर एक स्थान के चौबीस भंग होते हैं। इसलिए कुल स्थान जो हुए, जो ये कुल स्थानों की संख्या हुई अपनुरुक्त, उसको चौबीस से गुना करो तो सब स्थानों की भंग संख्या होगी। कुल स्थान कितने हुए वो देख, अपनुरुक्त स्थान संख्या कितने हुई, चार और तीन सात, सात और तीन दस, दस और चार चौदह, चार अठारह, बाईस, छब्बीस, उनतीस और दो इकतीस और एक बत्तीस, बत्तीस हुए ना। और हर एक स्थान के भंग कितने करना, चौबीस चौबीस भंग करना, तो चौबीस यहाँ पर ही करते। चौबीस दूनी अड़तालीस, अच्छा चार चौबीस या बहत्तर और चार छिहत्तर, सात सौ अड़सष्ट भंग हुए। बराबर है ना, एक के नहीं करना शायद, बराबर है, नहीं नब्बे के नहीं हुए, वही बोल रहे हैं यहाँ तक के करना है। वो नब्बे के भी दो के किए हैं चौबीस भंग, लेकिन यहाँ तीन तक लेंगे तो तीन कम हुए, तो उनतीस के करेंगे भंग।
कुल भंग 32 हुए, 29 स्थानों के आठवें गुण स्थान तक हुए, उसको 24 से गुना किया तो 24 नवे 226 हो जाएगा ना। अच्छा 48 10, अच्छा 1 5 और 2 7 बराबर है ना, 706 होते हैं। या कितने के हैं प्रकार वगैरह मिला करके किए हैं, ये ऐसा होते हैं, इतना कहाँ या गुना नहीं किया है, बाद में करेंगे सबका मिला करके, अभी पढ़ते हैं पहले। गाथा नंबर 481 है। एक छक्के आरम ए आर ए आर सेवनवतिन्नी ए दे चदुवीस गदा चदुवीस ए आर दुगठानी। अब उसमें सबके अपनरुक्त स्थान बता रहे हैं, 10 का एक स्थान है अपनरुक्त, 9 के 6 स्थान है, 9 के कुल 6 स्थान बताए ना, वो सब अपनरुक्त है, और 8 के ए आर एम मतलब 11 स्थान है, 7 के भी 11 स्थान है, और 6 के भी 11 स्थान है, इसमें अपनरुक्त नहीं बताया, सामान्य बताया, सभी स्थान बताए कितने हैं। फिर उसके बाद 6 के हो गए ना, 5 के 9 स्थान है, फिर 4 के 3 स्थान है, इन सब स्थानों के एदे चदुवीस गदा, इस ये सब स्थान 24 भंगगत है, इन सब के इन सब स्थानों का जो जोड़ होगा उसको 24 से गुना करेंगे, 9 1 6 11 11 11 9 3 और 1 9 3 इतने हो गए ना, तो इनको और ए दे चौदहवीस गदा, इन सबके 24 भंग होते हैं, और चौदहवीस ए आर दुगठाने जो 2 का स्थान है उसके भंग भी 24 किए हैं, क्योंकि 5 का बंद स्थान में 2 प्रकृति का बंद, 90 गुण स्थान में 5 प्रकृतिक बंद स्थान है उसमें भी 2 का उदय है, और 4 प्रकृति बंद स्थान है उसमें भी 2 का उदय है। अभी अगले गाथा में आने वाला है तब वहाँ आपको ड्राइंग बताएंगे कि मतलब 90 गुण स्थान में स्त्री वेद और नपुसक वेद सहित चढ़ा हुआ है उसके थोड़ा अलग है, और पुरुष वेद से चढ़ता है उसका थोड़ा अलग, मतलब स्थान अलग आता है उसका, तो उसके 2 अपेक्षा से 12 भंग होते हैं, क्योंकि वहां पर आठवें गुण स्थान में किसकी बंद विच्छुति हुई, आठवें गुण स्थान में हास्यरति भैजगुप्सा की विच्छुति हुई, तो अब हास्यरति का और उसका ये नहीं है, भंग नहीं है, वहां तक तो भंग थे, हास्यरति शोक शोक विच्छुति हुई, तो केवल 3 वेद और 4 कषाय, तो उसके कितने भंग होंगे, 12 भंग होंगे, चारों कषाय में से किसी एक कषाय का उदय और 3 वेदों में से 1 वेद का उदय, तो वहां पर 12 भंग होते हैं। हाँ, 90 गुण स्थान में, आठवें में तो 24 भंग हुए, आठवें में हास्य रति शोक रति की उदय विच्छुति हुई, इसलिए 90 में 2 प्रकृतिक स्थान के 12 भंग होंगे, और उसमें 4-5 प्रकृतिक बंद स्थान में 2 का उदय, इसके 12 भंग, 4 प्रकृतिक बंद स्थान उसमें भी 2 के 12 भंग किए, वे भंग है, भंग अलग नहीं, इसलिए बाद में उसको पुनरुक्त कहेंगे। तो 12 भंग कैसे हुए, 4 कषाय और 3 वेद, इस प्रकार 24 भंग हुए। तो और यहाँ पर एक प्रकृतिक जो उदय स्थान है उसके कितने भंग है, ए आर चौदहवीस ए आर दुगठाने, ऐसा लिखा ना, 2 का जो स्थान है उसमें 24 भंग, और एक प्रकृतिक जो स्थान है उसमें 11 भंग होते हैं। कैसे 11 भंग होंगे उसके दिखाते हो, एक मिनट, ऐसे गिनो तो भी आएगा, 4 3 मतलब 4 कषाय में से 1 तो वहाँ 4 भंग होंगे, 3 कषाय में से 1
तो तीन भंग हुए, चार और तीन सात, दो कषाय में से किसी एक का उदय तो वहाँ दो भंग होंगे, एक कषाय या एक कषाय, मतलब पहले चारों कषाय क्रोध मान माया लोभ, फिर तीन कषाय मान माया लोभ में से किसी एक का उदय, फिर माया लोभ में से किसी एक का उदय, फिर लोभ का उदय, तो ऐसे चार और तीन सात और दो नौ और एक दस और सूक्ष्म लोभ का एक, इस प्रकार कितने हुए, एक प्रकृतिक स्थान के भंग ग्यारह भंग हुए, चार में से एक, तीन में से एक, दो में से एक, एक जो लास्ट में सूक्ष्म लोभ एक, इस प्रकार एक प्रकृतिक जो उदय स्थान है उसके ग्यारह प्रकार होते हैं। अभी बता रहे हैं ना बाद में उसके लिए, वही बारह भंगों में अंतर ने केवल स्थान भेद लिया है। वहां पर पांच प्रकृति का जब तक बंद करता है जीव तब तक दो का उदय स्थान है, और चार के बंद में दो भी दो का उदय स्थान है, तो वहां बारह भंग और वहां बारह भंग, बारह भंगों में कोई अंतर नहीं है, केवल स्थान भेद में। जैसे अभी छठे और सातवें में वही प्रकृतियां होती है लेकिन वो अलग अलग स्थान गिनते हैं, उसमें अंतर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पांच प्रकृतिक बंध स्थान और दो चार प्रकृतिक बंध स्थान, वो स्थान अलग लिया है, प्रकृति वही है, भंग वही होंगे, अलग अलग नहीं है। अभी वहां अगली गाथा में ही दिखाते उसको, कुल भंग कितने हुए यहाँ पर, 8,507 भंग होते हैं। ये सब कितने कुल प्रकार जो हुए वो कितने हुए, हाँ एक और छः सात, सात और ग्यारह अठारह, अठारह और ग्यारह उनतीस, उनतीस और ग्यारह चालीस, उनचास, तीन बावन, तीन बावन और इसके भी चौबीस किए, तो त्रेपन के तो चौबीस चौबीस भंग किए, ये त्रेपन स्थान हुए, इसको चौबीस से गुना करेंगे, और एक के कितने किए, ग्यारह किए, एक के ग्यारह तो समझ में आए होंगे ना, कि पहले चार प्रकृति बंद स्थान है वहां पर पांच चार प्रकृतिक यहाँ पर किए थे ना विधव सभरे, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में पहले चार कषायों में से एक है, फिर तीन कषायों में से एक, फिर दो कषायों में से एक, ऐसा है ना। तो यहाँ चार भंग हुए या तीन भंग हुए या दो भंग हुए और लास्ट में एक भंग हुआ और सूक्ष्म लोभ का एक यहाँ बंद, नहीं नहीं अभी वो नहीं दिखा रहे, एक के ग्यारह प्रकार, एक के ग्यारह भंग कैसे हुए, तो पहले चार में से किसी एक का उदय है तो चार भंग हुए, तीन में से किसी एक का उदय है तो भंग कितने हुए, तीन हुए, फिर दो में से किसी एक का उदय है तो दो भंग हुए, फिर एक का ही उदय है बादर लोभ का तो ये कितने हुए, दस हुए, और सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म लोभ एक, तो इस प्रकार ये एक प्रकृति के ग्यारह भंग हुए, ऐसा कहा, ये एक प्रकृति है ना उसके ग्यारह भंग हुए, और ये त्रेपन यहाँ तक स्थान होते उसके चौबीस चौबीस भंग हुए, ये दो प्रकृतिक स्थान के भी पांच प्रकृतिक बंध स्थान में दो का उदय उसके बारह भंग, और चार प्रकृतिक बंध स्थान उसमें भी दो का उदय है उसके भी बारह भंग। अभी ये सब बताने वाले हो, अभी ठहरो, फिर चौबीस दिया बहत्तर और सात, चौबीस पच पंचे एक सौ बीस और ये सात, एक सौ सत्ताईस हुए ना, बारह सौ बहत्तर बराबर है ना ग्यारह, तो तीन और आठ बारह सौ त्रियासी भंग हुए सबके, सब उदय स्थानों के। अब यहाँ पर तो जब यह जीव नवे गुण स्थान में चढ़ता है तो एक पहले नपुसक वेद के उदय से चढ़ता है, तो वहां पर यह जीव पहले नपुसक वेद का क्षय करता है, फिर स्त्री वेद का क्षय करता है, नहीं नहीं हाँ ये नपुसक वेद से चढ़ता है, वह पहले स्त्री वेद का क्षय प्रारंभ करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है,
फिर स्त्री और नपुंसक दोनों का एक साथ करता है। वो पहले पहले बताया, वो एक समय का कुछ अंतर आता है उसमें केवल। हाँ, तो यहाँ तक ये नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा है, वो जीव इसके द्विचरम समय में उसकी पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होती है, उसकी उदय विच्छुत्ति होने के पहले एक समय पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होती है। तो वहाँ पर वह पांच का बंध करता था यहाँ तक, फिर यह अंतिम समय में वह चार का बंध करता है। यहाँ पर भी उसको दो का ही उदय है और यहाँ पर भी दो का ही उदय, यहाँ पर भी दो का उदय है क्योंकि वो अंतिम अभी सवेद भाग है, द्विचरम समय के नपुंसक वेद और स्त्री वेद के उदय से जो चढ़ा हुआ जीव है उसकी अपेक्षा से कथन है। तो ये स्त्री वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव है, तो इसका जो वेद का उदय काल है वो भी पुरुष वेद से अंतर्मुहूर्त कम ही होता है। पुरुष वेद के उदय से जो चढ़ता है उसका उदय काल इतना है, एक अंतर्मुहूर्त अधिक है। मतलब नपुंसक वेद का क्षय काल, स्त्री वेद का क्षय काल और छह नौकाशय का क्षय काल, ये पूरा उसका पुरुष वेद का वहां उदय रहता है। और इसकी बंध विच्छुत्ति यहाँ पर होती है पुरुष वेद के उदय से चढ़े हुए जीव की, बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है। छह नौकाशय की तो केवल वहां पर सत्व विच्छुत्ति हुई और यहाँ पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति भी हुई और उदय विच्छुत्ति भी साथ में हुई। तो इसका जो पांच प्रकृतिक बंध स्थान यहाँ तक रहेगा वह, पुरुष वेद के उदय से जो चढ़ा हुआ जीव है वह पांच प्रकृति यहाँ तक बांधेगा और जो स्त्री वेद और इसके साथ से चढ़ा हुआ जीव है वह द्विचरम समय तक इसका पुरुष वेद का बंध करेगा और हाँ और चरम समय में पुरुष वेद का वह बंध नहीं करेगा, केवल उसको वेद का उदय रहेगा। दो थोड़ी सी बातें समझना है। हाँ, ये बंध स्थान पांच प्रकृतिक है और यहाँ चार प्रकृतिक बंध स्थान है, केवल एक समय का अंतर है। द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति करता है, चरम समय में उसकी उदय विच्छुत्ति होती है पुरुष वेद की, ये नपुंसक वेद और स्त्री वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव। और पुरुष वेद के उदय से चढ़ा हुआ जीव इसका उदय काल इन वेदों से भी एक अंतर्मुहूर्त अधिक है, क्योंकि छह नौकाशय का जब तक संक्रमण नहीं होता है, शपन नहीं होता है, तब तक वहां तक पुरुष वेद का उदय रहता है उसको, और वहां बंध विच्छुत्ति भी इसकी एक साथ यहाँ पर होगी। मतलब ये जीव यहाँ तक पांच प्रकृति को बांधेगा, फिर इसके आगे चार प्रकृति को बांधेगा, चार प्रकृतिक बंध स्थान आएगा। नहीं, इसमें पुरुष वेद के उदय के साथ चढ़ा हुआ है उसके अंतर नहीं है, बंध और उदय विच्छुत्ति एक साथ है और स्त्री वेद उसके साथ में चढ़ा हुआ जो है उसके द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति है और चरम समय में उदय विच्छुत्ति है। तो यहाँ पर सवेद भाग के पहले ही क्या हो गया, पांच की बंध पांच का बंध स्थान है और सवेद के अंतिम समय में चार का बंध है और उसके आगे भी चार का बंध है। मतलब जब तक क्रोध की बंध विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक इसका चार का ही बंध होता है। तो उन्होंने ये दो लिया, पांच के बंध स्थान में भी दो का उदय है, चार के बंध स्थान में भी दो का उदय यहाँ रहा। वेद और कषाय, यहाँ पांच के बंध स्थान में दो का उदय है और लेकिन चार का बंध स्थान में एक का ही उदय है। यहाँ पांच का बंध स्थान में दो का उदय और चार के बंध स्थान में एक का ही उदय है और यहाँ पर पांच का बंध स्थान में दो का उदय, चार के बंध स्थान में भी दो का उदय है। पहले और थोड़ा सा क्या करना है अभी, यहाँ पहले उन्होंने जो समझाया है उसको अपन समझते हैं। मतलब उदय काल जो है एक अंतर्मुहूर्त अधिक लेना है किसका, पुरुष वेद का इसका और इसका, इसके और इसके, वो थोड़े निकाले कि बाद में कुछ उसको इसमें काट दिया है, थोड़ा अधिक दिया है लेकिन वो थोड़ा सा कम ज्यादा दिखाना चाहिए पुरुष वेद में ना, वो नहीं उसको वो निकाल दिया, वो पूरा का पूरा पांच का ही बंध स्थान है इसका, ये पूरा पांच का बंध स्थान है और इसमें
ये यहाँ तक पांच का है और यहाँ ऊपर चार का है। हाँ पांच का ही बंद, सवेद भाग तक पांच का बंद है, अवैध भाग में चार का ही बंद है। यहाँ सवेद भाग में ही चार का बंद आया, सवेद भाग में ही चार का बंद आया यहाँ पर। क्षीण पूरा नहीं हुआ फिर, मैंने क्षय करते समय वो पहले ही करता है, वो उपशमन जो करता है ना वहां पर साथ में करता है दोनों के, ऐसा है। तो नपुंसक वेद और स्त्री वेद का जो उदय काल है वो समान है, और पुरुष वेद का जो उदय है वो अंतर्मुहूर्त अधिक है, और इससे जो कषायों का भी है, यहाँ क्रोध कषाय जो है इसका उदय इससे अंतर्मुहूर्त अधिक है, इसकी उच्छित्ति यहाँ पर होगी, क्रोध की उदय उच्छित्ति। फिर उससे मान का उदय काल उससे बड़ा है। माया का उससे बड़ा है, एक एक अंतर्मुहूर्त आगे जाकर के उनके उदय उच्छित्ति होते हैं ना, उससे लोभ का बड़ा है, ये वहां पर दिखाया है, ये अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त अधिक दिखाया है यहाँ पर। सब काल अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त है, लेकिन ये पूर्व के काल से अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त अधिक है। हाँ बराबर, दोनों का उदय जो है वो समान लेना। स्त्री वेद के उदय से चढ़ा हुआ पहले नपुंसक वेद का क्षय करेगा, फिर स्त्री वेद का क्षय करेगा, और नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा हुआ पहले स्त्री वेद का करेगा, फिर नपुंसक वेद का करेगा। और यहाँ पर केवल बंद स्थान दो आए इसमें, इसमें द्विचरम समय तक पांच का बंद स्थान आया और चरम समय में चार का बंद स्थान आया। और पुरुष वेद के उदय से जो चढ़ा हुआ है उसका आखिर तक पांच का ही बंद स्थान आया, फिर उसकी अपगत वेद होने पर वह चार का बंद करेगा। और कब कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पांच हुआ तो वहां तक ही ना, इसके आगे पुरुष वेद कहाँ रहेगा, हाँ तो वही बता रहे हैं ना। नेक्स्ट अपना में शायद वो नहीं है वहाँ पर। तो ये अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त अधिक है काल, ये बताए उदय काल जो है वो चार में से एक किसी का बंद होगा तो वहाँ भंग कितने हुए, चार हुए। तीन में से किसी एक का भंग हो उदय होगा तो बंद हो उदय उदय होगा तो उसमें तीन भंग। मतलब उस स्थान पर आने पर चार में से कोई एक कषाय का उदय रहता है या तीन में से किसी एक कषाय का उदय रहता है, इस प्रकार वो 482 नंबर गाथा में दिखा रहे उदय ठाणम। स्थान और भंगों की उत्पत्ति बताते हैं यहाँ 482 नंबर गाथा है। उदय ठाणम दोन्नम पण बंदे हो दि दोन्न में कस चदविह बंद ठाणे से यम हवे ठाणम। उदय ठाणम दोन्नम पण बंधे, दो का जो उदय स्थान है उसका पांच के बंद में हो दि दोन्नम एकस, फिर उस दो के और चदविह बंद ठाणे और चार के बंद स्थान में, इस प्रकार वहां भंग होंगे। और से सु एयम ठानम हवे, बाकी के गुणस्थानों में एक एक ही स्थान है।
बारह बारह लेना है ना, वो बारह बारह कहाँ लेंगे, कहाँ से निकाले? पर्णबंध मैंने पांच का जो बंध है उसमें दो उदय स्थान है, दो का उदय स्थान है, होदी और चौदहवीय बंध स्थान है, और चार के बंध स्थान में भी दो का उदय स्थान है। एक बंध केशु अबंध के चक्र में चतुस्त्री द्वि दोनों एक बताना है कि पांच के बंध स्थान में भी दो का उदय स्थान है और चार के बंध स्थान में भी दो का उदय स्थान है, और फिर आगे तो शेष स्थानों में एक एक ही स्थान है, एक एक प्रकृति की स्थान है, तो इसलिए वहां पर पांच प्रकृति के बंध में जो दो का उदय स्थान है उसके बारह भंग, और चार के बंध स्थान में जो दो का उदय है वहां उसके बारह भंग, इस प्रकार उसके चौबीस भंग होते हैं, और बाकी के जो है वो स्थानों में ग्यारह भंग हुए, उसमें एक एक स्थान हुआ इतना ही बताया, अब उसका खुलासा आगे करेंगे। 483 चार का बंध स्थान है, वहां भी दो का उदय स्थान है, चार का बंध स्थान जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद से चढ़ा हुआ है तो वहां पर भी दो का उदय स्थान है, और पांच प्राकृतिक बंध में भी दो का उदय है, ये बता रहे हैं। अब आगे चार गाथाओं में उसका खुलासा करते हैं, वो हो जाएगा खुलासा आगे। 483 नंबर गाथा पढ़ते हैं। अनियट्टीकरण पड़मा संडिथीनम च सरिस उदयथा ततो मुहूर्त अन्ते कमसो पुरिसादि उदयधा। अनियट्टीकरण पड़मा अनिवृत्तीकरण के पहले भाग में संडिथीनम सरिस उदयधा, नपुंसक वेद और स्त्री वेद इनका उदय काल जो है वो सदृश है, समान है, अंतर्मुहूर्त है, वो समान अंतर्मुहूर्त है। और तत्तो पुरुषादि उदयधा, पुरुषादि का उदय काल कमसो अंतो मुहूर्ते अधिक लगाना, मुहूर्त अंते कमसो पुरुषादि उदयधा, फिर उसके आगे अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त पुरुषादि के उदय का काल है, मतलब नपुंसक वेद से ज्यादा पुरुष वेद का अंतर्मुहूर्त अधिक है, उससे क्रोध का उदय काल अंतर्मुहूर्ता अधिक है, क्योंकि बाद बाद में इसकी उदय विच्छुत्ति हो रही ना, क्रोध की उदय विच्छुत्ति हुई, फिर मान की, फिर माया की, फिर लोभ की हुई, तो ये अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त अधिक काल है। हाँ, नोट्स में थोड़ा सा बढ़ाना है उसको, वो सब निकालना था लेकिन वो रह गया है ऐसा है, और पांच और चार जो है कट करना। हाँ नहीं, वो उनको वो चार लिखने के लिए किया है, ऐसे वो समान नहीं है, अंतरमूर्त अंतर्मूर्त जो लिया है ना वो समझना, वहां पर ये अंतर्मूर्त और अंतर्मूर्त है ना, वो चार का बंध स्थान बताना है उनको केवल वहां पर, नहीं वो वहां तक अंतर्मूर्त लिखा है ना वहां तक ही उसका लेना, और स्त्री वेद और नपुंसक वेद का जो अंतर्मूर्त लिखा है वहां तक ही लेना, उसमें वो एक समय का खाली अंतर है ना पुरुष वेद नपुंसक वेद और स्त्री वेद में, वहां पर चार का बंध स्थान है ये उनको दिखाना है, तो वो बड़ा बन गया है ऐसे चौकोन वहां पर आगे तक, और पुरुष वेद के इसमें वो अंतर्मूर्त अधिक है उतना ही लेना है, और वहां पर उसके आगे चार का बंध स्थान है ये दिखाना है उनको, वो या ही देते हैं संदृष्टि, क्योंकि मान की भी माँ होती है और माया की भी माँ होती है, तो माया के लिए या देते हैं और मान के लिए माँ देते हैं, और लोग वो सवेद भाग में
पांच का ही बंद स्थान होगा और अवैध भाग में चार का बंद स्थान होगा। अब और आगे बताते हैं यहाँ पर, वो जो पांच का है ना, इसी का खुलासा ये तीन चार गाथा में कर रहे हैं। खाली अब उदय काल आदि का दिख ये बताया, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त, अब और उसके कौन कौन सा बंद है वो बता रहे हैं आगे। उदय न चढ़ी दे बंधु दयाणं च जुगवदुच्छित्ति से सोदय न चढ़ी दे उदय दुचरी मम्मी पुरिस बंद छिदी। एक पक्षांतर की अपेक्षा से ये बता रहे हैं। तो पुरुषोदय न चढ़ी दे, पुरुष के उदय से चढ़ा हुआ जीव बंध उदयानम जुगवत विच्छुत्ति, बंध की और उदय की एक साथ विच्छुत्ति करता है, मतलब उसके पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है। सवेद भाग के अंतिम समय में पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हुई है। और शेषोदय न चढ़ी दे, बाकी के वेद के उदय से जो चढ़ा हुआ है नपुसक वेद और स्त्री वेद के उदय से, उसके उदय दुचरी मम्मी पुरुष बंध छिदे, उदय के द्विचरम समय में पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होती है। तो एक अंतिम समय में केवल उसके अवैध भाग में चार का बंध स्थान होगा। आगे भी चार का है लेकिन सवेद भाग में उस चार का बंध स्थान आ गया वहां पर, और दो का उदय रहेगा वहां पर। उदय दो का है और बंध चार का है, और यहाँ उदय पांच का है, बंध पांच का है और उदय दो का है। अब वो भंग बता रहे आगे, 485 नंबर का था। भंगा दो चे वो उदय पड़ी हो दो उदय चतु बंधे बारे वहवंती भंगा हूं। वे बताए पण बंध गम्मी बारस भंगा दो चे वो उदय पड़ी हो, पांच के बंध स्थान में दो उदय की प्रकृतियां हैं और उसके भंग बारह है, और चतुबंधे दो उदय बारे व हवंती भंगा, और चार के बंध स्थान में दो का उदय स्थान है और उसके भी बारह ही भंग है, क्योंकि चार कक्षा और तीन वेद, इस प्रकार बारह भंग वहां पर भी हुए और यहाँ पर भी बारह ही भंग हुए। इस प्रकार 24 भंग हो गए, दो प्राकृतिक स्थान के 24 भंग किस प्रकार हुए वो बताए यहाँ पर। अब आगे एक के 11 भंग कैसे होते हैं वो बताते हैं। कोहस्य मानस्य माया लोहाणि अट्टि भागम्मि चतुर्दुगेकं भंगा सुहमे एको हवे भंगो। कोहस्य मानस्य माया लोह अणि अट्टि भागम्मि, अनिवृत्तिकरण के क्रोध का भाग, मान का भाग, माया का भाग और लोभ का भाग, उसमें क्रम से चार, तीन, दो और एक भंग होते हैं। जहाँ क्रोध का उदय स्थान है वहाँ पर चार भंग, मान का है वहाँ पर तीन भंग, माया का जब वहाँ माया कषाय का जो क्षपणा काल कहो या उसका उदय काल कहो वहाँ पर दो भंग, और लोभ के उदय काल में एक भंग, और सुह में एक को और सूक्ष्म में एक, इस प्रकार 11 भंग होते हैं। एक प्रकृति के 11 भंग हुए। अब वो सब मिलाकर के कितने भंग हुए वो बता रहे हैं आगे। अब यह कहते हैं ना 1283 भंग स्थानों की अपेक्षा से, लाटवे गुण स्थान तक स्थान हुए 53 और भंग हरे के हुए 24 और एक प्रकृति के 11 भंग, तो 1283 हुए। और यहाँ इन्होंने प्रकृति के भी अलग भंग किए, एक एक प्रकृति लेकर के उसके भंग किए। यहाँ पर जो प्रकृति है वो कितनी हुई, जैसे अभी यहाँ पर जो स्थान है उदय स्थान बताए, जो उसके प्रकार बताए, उसको प्रकृति संख्या से गुना किया, तो प्रकृति की अपेक्षा से भी ऐसे भंग अलग अलग निकाले। ये मतलब अब यहाँ प्रकृतियों की संख्या समझना। तो यहाँ पर ये प्रकृतियों के एक प्रकार हुए और वो स्थान उदय स्थान हुआ, तो 10 प्रकृतिक एक है, तो इसकी प्रकृतियाँ कितनी हुई, 10 ही हुई।
मतलब उसका गुणा करेंगे तो प्रकृतियों की संख्या होगी, और यहाँ 9 गुणा 6 करेंगे 54 प्रकृतियां हो गई। 8 गुना 11 तो कितने हुए 88, 7 गुना 11 तो कितने हुए 77, 11 गुना 6 66, 5 नवे 9 45 होते हैं ना, 4 तिया 12 और 2 एक देव और 1, तो ये प्रकृतियों की संख्या हुई। तो इसमें यहाँ तक तो 24 बन गए ना, तो यहाँ तक जो प्रकृति संख्या हुई उसका जोड़ कितना हुआ, 4 और 8 12 और 7 19 और 6 25 और 5 30 और 2 32 और 34, 4 और 3 और 1 4 और 4 8 और 6 14 और 7 21 29 5 34 और 1 35, 354 प्रकृतियों की संख्या हुई। और सबके भंग कितने हैं, 24 है, इसलिए 24 से गुना किया तो 24 गुना 4 96, 9 24 पचास 120 और 9 129, 24 या 12 और 72 और 12 84। हाँ है, इस आचरण एक बैठ करके किया है, मतलब प्रकृतियों की अपेक्षा से भी इतने प्रकार हो जाएंगे, इतने भेद हो जाएंगे ऐसा। तो 8496 ये प्रकृति की अपेक्षा से भेद हुए, और एक प्रकृति के कितने भंग है, 11 भंग है, तो एक का एक के लिए है ना, तो 11 ही भंग हुए। 7 इतना ही किया कि बराबर है ना प्रकृति की अपेक्षा से। फिर पुनरुक्त अपुनरुक्त स्थानों की अपेक्षा से भंग करेंगे तो वे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर अपुनरुक्त स्थान कितने हुए सब मिला करके, ये 1 और 6 7, 7 और 11 18, 18 और 10 28 और 7 35, 39 और 1 40, 40 हो गए, और ये 2 का एक स्थान 40 और 1 41, 40 के एक एक केवल वो दो प्रकृति के वो अलग से लिए, तो प्रकृति के तो 40 के पहले लिए और 2 के अलग लिए, तो उधर करते हैं। जो अपनुरुक्त है उसके 40 स्थान हुए और उसके 24 इधर 24 भंग होंगे हर एक के, तो हाँ 24 चौक, हाँ ये ना अपुनरुक्त गिनना है, केवल पुनरुक्त नहीं गिनना, ये पुनरुक्त लेकर के इतने हुए थे प्रकृति के इतने, और स्थान के कितने हुए थे अभी लिखे थे वो स्थान के 1283 हुए थे, और प्रकृति की अपेक्षा से 8507 हुए। यहाँ अपनुरुक्त जो स्थान है 53 में से जो एकम करके अपनुरुक्त स्थान लेंगे, 1 और 6 7 ये सब अपनुरुक्त है, और 11 18 हुए, और यहाँ पर 11 में से 10 अपनुरुक्त है, इसलिए यहाँ पर कितने हुए 28 हुए, और ये 7 35 और ये 4 39 और 1 40, ये 40 अपुनरुक्त भंग हुए, और हर एक के 24 भंग पर प्रत्येक स्थान के, तो 960 हुए, और दो प्रकृतिक जो है उसके भी 24 भंग होंगे। एक उदय स्थान दो प्रकृति का तो उसके 24, और एक प्रकृति के
ग्यारह भंग हुए, इधर ग्यारह लिखते हैं। दीदी एक पद माने संज्वलन का क्षय, हाँ तो इसके चार और एक पांच, छह और दो आठ और एक नौ, और हाथ सा एक हुआ ना, चार दो आठ और एक नहीं, नौ सौ ही होंगे, नौ सौ पंचानवे भंग होते अपनरुक्त की अपेक्षा से, और उसके प्रकृति की अपेक्षा से कितने होंगे, नौ सौ सतहत्तर हुए यहाँ पर, यहाँ पर है ना वो जो दो प्रकृतिक हैं उसके चौबीस भंग नहीं लिए उन्होंने, ने अलग अलग लिए ना उसके, अपनरुक्त ही लेना है ना अपने को यहाँ पर, तो इसमें जो ग्यारह भंग है उसमें से जो पांच भंग है वो अपनरुक्त है, एक प्रकृतिक है ना यहाँ पर ग्यारह भंग के ना एक प्रकृति के, तो एक प्रकृति मतलब ये जो चार प्रकृतियां है इसमें से एक ऐसा लिया था ना, तो यहाँ चार भंग किए, फिर तीन में से एक तो तीन भंग हुए, दो में से एक तो यह दो भंग हुए, और एक में से एक और सूक्ष्म लोभ एक ऐसे भंग किए थे, तो ये जो है वो पुनरुक्त है सब ग्यारह, इसमें अपनरुक्त कितने होंगे, एक क्रोध का, एक मान का, एक माया का, एक लोभ का और एक सूक्ष्म लोभ का, पादर लोभ और एक सूक्ष्म लोभ, यहाँ पर अपन चार करेंगे तो क्रोध मान माया लोभ चार होंगे, यहाँ पर करेंगे तो मान माया लोभ, तो वापस ये मान है वही आया ना यहाँ पर, ये माया है वही यहाँ पर आया, ये लोभ यही पर ये वही आया, इसलिए यहाँ पर क्रोध मान माया लोभ के चार भंग और सूक्ष्म लोभ का एक, ऐसे पांच ही भंग क्या करेंगे अपनरुक्त लेंगे, और दो दो प्रकृतिक हैं उसमें भी बारह भंग पुनरुक्त है, यहाँ पुनरुक्त का निकाल रहे ना, दो प्रकृति के जो चौबीस भंग के, पांच के बंध स्थान में बारह भंग और चार प्रकृतिक बंध स्थान में बारह भंग, तो बारह भंगों में अंतर नहीं, वे ही बारह भंग है, चार का शर तीन वेद से गुना करना है, तो इसलिए बारह ही लेना इसके दो प्रकृति के और एक प्रकृति के पांच, मतलब अपनरुक्त पांच भंग होंगे, तो कुल भंग वहां अपनरुक्त नौ सौ सतहत्तर हुए, पुनरुक्त वो बारह और छह लिए ना वापिस, इसलिए नौ सौ पंचानवे हुए थे, चार कषाय का, एक सूक्ष्म लोभ, हाँ एक लोभ का, ये पुनरुक्त हुए, बाकी सब पुनरुक्त होंगे। अब यहाँ जो अपनरुक्त प्रकृति उनकी संख्या है उसके अपेक्षा से भंग निकालेंगे, तो अपनरुक्त स्थानों की जो प्रकृति संख्या है वो तो यहाँ दस का एक स्थान तो कितने हो गए, दस गुना एक एक दस हुए, नौ के छः तो नौ सक चौवन हुए, आठ के ग्यारह अट्ठासी हुए, और यहाँ दस ही लेना है, दस के सात तो सत्तर हो गए प्रकृतियाँ, सात के चार ही हुए, ये नहीं छः प्रकृति के सात अपनरुक्त है, तो छः सात हैं, सात सकम बयालीस, बयालीस होंगे, इसका गुना करना है, पाँच के चार अपनरुक्त स्थान है, तो कितने हुए, पाँच चौक बीस हुए, चार के एक चार, ये अपनरुक्त है, दो का भी एक ही लेंगे ना प्रकृति, दो प्रकृतिक स्थान अपनरुक्त एक ही स्थान है, तो दो प्रकृति आएगी, इसके भंग अलग करेंगे, इसके भंग इसको अलग करते हैं, तो चार और आठ बारह, बारह और दो चौदह, चौदह और चार अठारह, अच्छा एक दो और एक तीन और चार सात, सात और सात चौदह, चौदह और आठ बाईस, बाईस और पाँच सत्ताईस और एक अट्ठाईस,
288 हुए, इसको 24 से गुना करेंगे, हर एक के भंग 24। नहीं नहीं, इसके सबके 24-24 करेंगे, तो इसको 24 से भंग करेंगे, दो का आएगा वहाँ पर 12 से गुणा करेंगे, तो 24 अट्टे 192 होता है, फिर 2 हजार 19 24 अट्टे 192 और उसमें 19 मतलब 211 अच्छा 21 24 उन्हें 48 और 21 48 और 21 58 68 और 69 169 नहीं खाली 69 हाँ 6912 और जो दो प्रकृतिक है उसके भंग 12 और एक प्रकृतिक है उसके भंग 5 2 और 2 4 और 1 5 9 2 6929 कितने भंग अलग हो गए क्या? हाँ, दो प्रकृति का गुना करना पड़ेगा ना 12 भंगों से, इसलिए 24 हो जाएंगे। जैसे प्रकृति को ये भंग से गुना किया ना, तो दो प्रकृति के 12 भंग, तो 2 12 गुणित 2 24 होंगे। क्या कहा? हाँ, तो वो 7 प्रकृतिक स्थान के 10 पुनः अपनरुक्त है, तो 10 गुणित 7 किया तो कितने हुए 70 और 7 गुणित 6 किए तो 42 और 4 गुणित 5 किए तो 20 प्रकृतियों की संख्या हुई। तो यहाँ 2 और 4 6 और 5 11 अच्छा 1 बराबर है ना 6941 ये प्रकृति की अपेक्षा से ये पुनरुक्त सब मिला करके हैं और एक केवल अपनरुक्त प्रकृति संख्या की अपेक्षा से भंग हुए। हाँ, ये प्रकृतियों की संख्या हुई। अब वो एक ही प्रकृति बार बार आएगी इसमें, बोले जैसे संज्वल अनंतानुबंधी कषाय मतलब क्रोध आएगा, फिर उसके साथ में 24 भंग ऐसा लेंगे वो सब। यहाँ पर 10 जैसे 10 प्रकृतिक है ना, तो वहाँ में मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के साथ में 24 भंग, फिर वहाँ पर कषाय क्रोध उसके 24 भंग ले, फिर उसके जो वेद है उसके साथ 24 भंग ले, फिर उसके हास्यरति या अर्तिशोक अर्ति है उसके साथ 24 भंग ले, ऐसे अलग अलग प्रकृति की अपेक्षा से उन्होंने 24 भंग किए। अब आचार्यों को क्या प्रयोजन है मुझे भी इतना ध्यान में नहीं आया, लेकिन ऐसे प्रकृति के से भी गुना करके उन्होंने भंग निकाले हैं। यहाँ पर स्थानों के तो भंग समझ में आते हैं ऐसे, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार हो गए एक एक स्थान के, इसलिए उसके भंग से 187 नंबर गाथा है, इसमें वो कुल भंग कितने हुए स्थान विकल्पों के वो बता रहे हैं। बारस सयते सीधी ठाणवे अप्पे ही मोहिदा जीवा पनसे दिसद सगे हिम पैडवी अप्पे ही ओ घम्मी। मैंने पहले सामान्य अपेक्षा से 1283 सीधी ठाणवी अप्पे ही 1283 स्थान विकल्पों के द्वारा जीव मोहित है, मतलब हर एक गुण स्थान में इतने प्रकार से भंग भेद हुए, तो हम कितने प्रकार से मोहित है 1283 प्रकार से मोहित है। पहले गुण स्थान में 10 वो जितने स्थान हुए उसको 24-24 से गुना करेंगे, 8 स्थान है 24-24 से गुना करेंगे तो 24-8 192 प्रकार से मोहित होंगे। दूसरे गुण स्थान में कितने स्थान है 4 है तो उसके 24-24 करेंगे तो वहाँ 24-96 हो जाएंगे, ऐसे सब निकालेंगे तो कितने हुए 1283 इतने उदय स्थान के प्रकार हुए सब मिला करके, तो उतने प्रकार से यह जीव मोहित है, मतलब 1283 में से कोई ना एक प्रकार हमेशा चलता रहेगा। और उसकी प्रकृति जो है उसकी अपेक्षा से कितनी प्रकृतियों से मोहित है, तो पनसीदी सदस्य गेहिम 8507 पनसीदी मतलब 85
और 8507 प्रकृति विकल्पों से यह जीव मोहित है। इतने स्थान विकल्पों से मोहित और इतने प्रकृति विकल्पों से, इतने प्रकार की प्रकृतियों का उसको उदय है, मतलब सब मिला करके बताएं। अब इसमें से अपनरुक्त यहाँ बता रहे हैं, अभी तक तो सब मिला करके ही बताएं। अब अपनरुक्त भंग कितने हैं उसका यहाँ खुलासा किया 488 नंबर गाथा में। एक छक्के आरम दस सग चदुर एकयम अपनरुत्ता ए दे चदुवी सगदा बार दुगे पंच एकमी। एक छक्क ए आरम दस सग चदु एकयम, क्रम से अपनरुक्त बताएं। दस प्रकृति के एक, नौ प्रकृति के छह स्थान वो अपनरुक्त ही है, आठ प्रकृति के ग्यारह स्थान, सात प्रकृति के दस स्थान, दस और छह प्रकृति के सात स्थान अपनरुक्त बता रहे ना, और छह प्रकृति के सात बताए ना, और पांच प्रकृति के चार, और चार प्रकृति का एक स्थान अपनरुक्ता अपनरुक्त है। ए दे चौबीस गदा, इसके भी ये भी प्रत्येक का उदय, प्रत्येक उदय स्थान चौबीस गत है, चौबीस भंग है, और बारह दुगे दो जो है उसके बारह बारह है, और पंच एकम है, एक में पांच अपनरुक्त भंग, दो में बारह भंग अपनरुक्त है, और एक प्रकृति में पांच भंग अपनरुक्त है। इस प्रकार ये अपनरुक्त उदय स्थान और उसके भंग बताए, और उसके कितने होंगे कुल स्थान विकल्प वो बता रहे 489 नंबर गाता है। नवसय सतरी ठाणवे अपे ही मोहिता जीवा ये दालो न तर से ऋषय पैडवे अपे ही ना यवाय। नवसय सतरी ही 977 स्थान विकल्पों के द्वारा जो मोहित है, अपनरुक्त की अपेक्षा से 977 बताए, और हर एक गुण स्थान में सभी जो स्थान बताए तो उसके अपेक्षा से 1283 हुए थे, तो 977 स्थान विकल्पों के द्वारा जीव मोहित है। फिर अपन भी व्यवहार में देखना वहां पर इसमें से कौन सा उदय स्थान चल रहा है, कौन से स्थान से हम मोहित है, अभी हम हंस रहे हैं, रति हो रही है, लोभ कषाय में चल रहे हैं, तो वहां पर ये लगाना, वहां पर गुणस्थान के अनुसार चार कषाय या तीन कषाय या दो कषाय क्रोध, और इसमें हास्य रति है। अब स्त्री वेद का उदय है तो स्त्री वेद है, और भय जुगुप्सा उस समय है तो भय जुगुप्सा से सहित है एक साथ। और हर समय उससे मैं भिन्न हूँ, ये इस भिन्नत्व की भावना करना, सब विचार किसके लिए करना है, भेद विज्ञान के लिए करना है। हर स्थूल पकड़ सकते हैं, सूक्ष्म नहीं पकड़ सकते, हर एक समय का नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन एक स्थूल पकड़ सकते हैं ना, कौन सा कषाय चल रहा है ये सब। और प्रकृति की अपेक्षा से एगी दाल मतलब 41 और उनहत्तर सय मतलब एक कम 70 मतलब 6941 प्रकृति विकल्पों से यह जो मोहित है ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर मोह के उदय स्थान उसकी प्रकृति गुण स्थानों में उपयोग आदि का आश्रय करके बताएंगे। अब इन उदय स्थानों को कितने उपयोग है, उस उपयोग के साथ ये उदय स्थान, उस योग के साथ ये उदय स्थान, उस लेशम के साथ ये उदय स्थान, ये संयम के साथ ये उदय स्थान, ऐसे चार की अपेक्षा से निकालने वाले, उपयोग योग लेशा और संयम इनके साथ, और सम्यक्त्व के साथ भी निकालेंगे ना, सम्यक्त्व कौन से के साथ में ये उदय स्थान है, इस अपेक्षा से वहाँ भेद करेंगे। अब पहले
करते हैं ऐसा बताते हैं खाली प्रतिज्ञा 490 नंबर का आता है। तो बैठे बैठे विचार करते रहो किस लेशा में हमारे किस मोह का उदय स्थान हो रहा है, कौन से उपयोग में कौन सा मोह स्थान हो रहा है। ऐसा उदयठाणम पैडिम सग सग वजोग जोग आदि गुणयित्ता मेल विदे पद संख्या पैडि संख्या च स्थान। पैडिम और प्रकृति इनको अपने अपने उपयोग और योग आदि के द्वारा गुणित्ता मतलब गुणा करके उसमें मेल विदे मिलाने पर पद संख्या और प्रकृति संख्या होती है। मतलब पहले अब ये देखेंगे कि कौन से गुण स्थान में कौन सा उपयोग होता है, कौन से गुण स्थान में कौन से योग स्थान है, फिर उस गुण स्थान में जो मोहनी के उदय स्थान है उसका गुणा करेंगे तो वो सब इतने स्थान भेद बढ़ जाएंगे। यहाँ पर उपयोग की अपेक्षा से कितने उदय स्थान होते हैं वो देखना है, कितने भंग होंगे सब। तो पहले गुण स्थानों की अपेक्षा से उपयोग की संख्या कितनी है वो देखते हैं। तो पहले गुण स्थान में उपयोग तो अपने को मालूम है, 8 ज्ञान उपयोग और 4 दर्शन उपयोग। तो उसमें से पहले गुण स्थान में कितने उपयोग की संख्या है, तो दर्शन उपयोग कितने हैं, 2 है। कौन से 2, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। और ज्ञान उपयोग में 3 है, कुमति कुश्रुत और कुअवधि मतलब विभंगावधि। तो 5 उपयोग है कुल। दूसरे गुण स्थान में उपयोग कितने हैं, वहाँ पर भी 5 ही है। मिश्र में अवधि दर्शन की भी विवक्षा ली तो यहाँ पर 6 बताए उपयोग। फिर अवधि दर्शन ले चक्षु अचक्षु अवधि और कुमति मिश्र ज्ञान। चौथे गुण स्थान में उपयोग कितने हैं, 6 मति श्रुत अवधि चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, तो 6 उपयोग है। पांचवें गुण स्थान में भी 6 उपयोग है। छठे गुण स्थान में एक मन पर ज्ञान बढ़ता है तो सातवें में भी 7, 12वें गुण स्थान तक 7 उपयोग रहेंगे। ऐसे अपने को तो आगे का निकालने का कारण नहीं है क्योंकि सूक्ष्म संप्रदाय तक ही मोह का उदय है, लेकिन यहाँ बता दिए तो अपन भी बता देते हैं। संयोग केवली में कितने उपयोग है, 2 ही है, केवल ज्ञान केवल दर्शन। और आयोग केवली में भी 2 ही उपयोग है। कहाँ पर हाँ, यहाँ पर उन्होंने टीका में लिया है तो 6 लेते हैं। गाथा में 6 ही बताए ना, नहीं यहाँ क्या लिया है वो ले लेंगे अपन, अपने को कुछ नहीं है। मिच्छ दुगे पण मिस्स 6 लिखे हैं गाथा में, इसलिए 6 लिया है। है वहाँ पर भी है अवधि दर्शन, लेकिन उसकी विवक्षा नहीं लेते हैं। पहले गुणस्थान में जब को अवधि होगा तो उसके पहले दर्शन हुए बिना ज्ञान होता नहीं है, तो वहाँ पर भी दर्शन है लेकिन वो पहले दूसरे गुणस्थान में अवधि दर्शन की विवक्षा नहीं है। अब उदय स्थान की संख्या जो है वो अपने अभी देखी थी, पहले गुणस्थान में उदय स्थान कितने हैं पुनरुक्त सब मिला करके 8 है। 8 कुट बनाए थे ना, 10 9 9 8 9 8 8 7, तो 8 है। दूसरे गुण स्थान में 4 है, तीसरे में 4 है, चौथे में 8 है, पांचवें में 8, छठे में 8, सातवें में भी 8। अभी सब देखे हैं ना, और अपूर्वकरण में 4 है, नौवे में 2 ही है, 2 और 1 का, दसवें में 1 है, बाकी आगे है नहीं। अब इसमें उदय स्थानों की संख्या बताइए। प्रकृति संख्या कितनी है, तो पहले गुण स्थान में 8 कुट है, 8 उदय स्थान है, उन सबका जोड़ करेंगे तो कितना होता है, तो 10 और 9 19 19 और 9 28 और 8 36 होते हैं। और आगे इसमें एक एक कम है तो कितने हो जाएंगे, 32।
तो इसकी दोनों की मिलाकर के पहले गुणस्थान में प्रकृति संख्या 68 है, दूसरे गुणस्थान में चार ही स्थान है, वे 9, 8, 8, 7 ही है, इसलिए उसके कितने होंगे प्रकृतियां 32 ही होगी। तीसरा गुणस्थान है वहां पर भी चार है, तो वहां पर भी 9, 8, 8, 7 ही है, तो वहां पर भी प्रकृति संख्या कितनी होगी 32 ही होगी। फिर इधर लिखते 32 32। चौथे गुणस्थान में इधर यहाँ पर चौथे गुणस्थान में 8 ये है स्थान है, तो वहाँ कितने हैं 9, 8, 8, 7, उसके भी कितने होंगे 32, और 8, 7, 7, 6 उसकी चार कम हो जाएगी तो कितने होगी 28। 9, 8, 8 और 7 ये ऊपर जैसे ही है तो ये भी कितने हुए 32 हुए, और 8, 7, 7, 6 इसमें चार प्रकृतियां कम है तो 28 होगी, और 32 और 28 कितने हो गए 60, चौथे गुणस्थान में 60 हो गए प्रकृति संख्या। फिर पांचवें गुणस्थान में इसमें 8 कम हो जाएंगे, इसमें 4 और इसमें 4 कम हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष नाम कैसे होते हैं ना, 8, 7, 7 और 6 है, और 7, 6, 6 और 5 है, तो 4 4 कम हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ 28 और 24, तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए प्रकृति संख्या 52 हो गई। पांचवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में और 8 कम हो जाएगी, 7, 6, 6 और 5 है, और 6, 5, 5 और 4 है, तो यहाँ पर 24 और यहाँ 20, तो कितने हो जाएंगे 44 प्रकृतियों की संख्या होगी। सातवें छठे में हो गए ना, सातवें गुणस्थान में इतने ही होंगे, वो जो छठे गुणस्थान में है वे सब स्थान और प्रकृतियां हैं, तो यहाँ पर भी 44 होंगे। आठवें गुणस्थान में केवल 6, 5, 5, 4 हैं, तो कितने होंगे 6, 5, 5 और 4 है, तो इसके भी यहाँ पर 20 ही होंगे, तो आठवें गुणस्थान में 20 प्रकृतियां हैं। नवे गुणस्थान में दो उदय स्थान है, इसकी प्रकृतियां कितनी है 2 और 1 है, तो कितनी हो गई 3 हो गई। दसवें में एक ही प्रकृति है, सूक्ष्म लोभ है, तो ये प्रकृतियों की संख्या बताई उन उदय स्थानों में कितनी प्रकृतियां है हर एक गुणस्थान में। अब यहाँ पर पहले गुणस्थान में एक एक उपयोग के साथ में 8 8 उदय स्थान होंगे, मतलब जैसे चक्षु दर्शन उपयोग है उसमें ये 10 का 9 का 8 का ये सब उदय स्थान होंगे, तो इन उपयोगों को उदय स्थान से गुना करेंगे तो उपयोग की अपेक्षा से उतने उदय स्थान बनेंगे एक एक उपयोग में। ओए उदय स्थान है 8 और उपयोग है 5, तो कितने हो गए कुल 40, पहले गुणस्थान में 40 हो जाएंगे। दूसरे गुणस हर एक उपयोग में एक एक उदय स्थान रहेगा, टोटल कितने बन जाएंगे 40। हाँ जैसे मतलब एक चक्षु दर्शन लेकर के सब स्थान लेना 8, फिर अचक्षु दर्शन लेकर के 8 स्थान लेंगे ऐसे। हाँ कोई भी उपयोग में सब उदय स्थान हो सकते हैं। फिर दूसरे गुण स्थान में उदय स्थान है 4 और उपयोग है 5, तो कितने हुए 20 भेद हुए। तीसरे गुण स्थान में उपयोग है 6, उदय स्थान है 4 और उपयोग है 6, तो कितने हुए यहाँ पर
24 हुए तीसरे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में उदय स्थान है 8 और उपयोग है 6, तो 48 भेद हुए। पांचवे गुण स्थान में उदय स्थान है 8 और उदय उपयोग है 6, तो यहाँ पर भी 48 हुए। छठे गुण स्थान में उदय स्थान है 8 और उपयोग है 7, 56 हुए। सातवें गुण स्थान में वहाँ पर भी 8 उदय स्थान है, 7 उपयोग है, तो क्या हो गए, 56 हुए। आठवें गुण स्थान में 4 स्थान है और उपयोग 7 है, 7 चौक 28 हुए। नवे गुण स्थान में स्थान 2 है, ऊपर नीचे हो गए क्या, थोड़ा सा ये ऊपर चाहिए था इधर। ये नवे गुण स्थान का है, तो नवे गुण स्थान में उदय स्थान 2 है, उपयोग 7 है, 7 × 2 = 14 हुए। दसवें गुण स्थान में उदय स्थान 1 है, उपयोग 7 है, तो 7 हुए। फिर प्रकृतियों की अपेक्षा से ये करेंगे यहाँ पर। तो पहले गुण स्थान में कुल प्रकृतियाँ कितनी है, 68 है, या प्र मतलब प्रकृति लेना है। प्रकृतियाँ कितने कुल उदय में, 68 प्रकार है और उसमें उपयोग 5 प्रकार का है। 68 को 5 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएंगे, हाँ 340 होंगे, बराबर है 40। दूसरे गुण स्थान में प्रकृतियां कितनी हुई, 32 और उपयोग कितने हैं, 5, 132 गुना 5, 105 × 10, 160 हो जाएंगे। तीसरे गुण स्थान में प्रकृतियों की संख्या कितनी हुई, 32 और उपयोग 6, तो 32 गुना 6, 192 हुए। चौथे गुण स्थान में प्रकृतियों की संख्या हुई 60 और उपयोग है 6, 360 हुए। पांचवे गुण स्थान में प्रकृतियां है 52, उपयोग है 6, तो 6 × 12 एक, 6 × 5 = 30 और 31, 312 हुए ना, 312 हुए। छठे गुण स्थान में प्रकृतियों की संख्या है 44 और उपयोग है 7, तो 7 × 28, अच्छा 2 × 7 = 28 = 2 = 30, 308 हुए। सातवें गुण स्थान में प्रकृतियों की संख्या है 44 और उपयोग है 7, तो 308 ही हुए। फिर आठवें गुण स्थान में प्रकृतियों की संख्या है 20 और उपयोग है 7, 140 हुए। नवे गुण स्थान में प्रकृतियों की संख्या है 3 और उपयोग है 7, सात प्रकृतियों संख्या 3 हुई ना, 2 और 1 ऐसा, 7 × 21 हुए। और दसवें गुण स्थान में 7 उपयोग, ये प्रकृति संख्या 1 है, उपयोग 7 है, तो 7 हुए। तो यहाँ टोटल उदय उपयोग और उदय स्थान का मिलाकर के कितने हो जाएंगे, तो 7 और 4 = 11 और 8 19, 19 और 6 = 25, 25 और 6 =
31, 31 और 8 39 और 8 47 और 4 51 हजा 5 5 और 1 6 7 8 8 और 5 13 और 5 18 18 और 8 26 और 4 30 और 4 34 341 हुए। क्या हो गए? उदय स्थान उपयोग में उदय स्थान 341 हुए और उपयोग में प्रकृतियों की संख्या 7 और 1 8 8 और 8 16 16 और 8 24 24 और 2 26 26 और 2 28 अच्छा 2 2 और 2 4 4 और 4 8 5 8 और 1 9 9 और 15 15 और 24 और 6 30 और 4 34 3 3 और 1 4 4 3 7 10 13 16 17 18 और 3 21 21 48 बराबर है ना वहाँ जो नोट्स में और इसमें ये संख्या हुई। अब इसमें आठवें गुणस्थान तक जितने भी हैं वो अलग अलग करना है। अभी यहाँ पर 28 आठवें गुणस्थान तक जो है उसको अलग करेंगे क्योंकि भंग अलग होंगे और उसके अलग करेंगे। यहाँ पर आठवां गुणस्थान है ना, यहाँ तक ये 28 हुए हैं, ये 14 और 7 घटाएंगे 21, इसमें से 21 घटाएं तो कितने होंगे 320। इधर लेते हैं 320 को 24 से गुना करेंगे क्योंकि 24 24 भंग होते हैं ना हर एक के, तो वहाँ 24 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ऐसा करते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ तक का जोड़ 320 हुआ है और यहाँ तक का जोड़ इसमें से 28 कम करो तो 2120 पर ये अलग लेंगे यहाँ पर नीचे इस और सात तो यहाँ 320 के 24 24 भंग और 2120 के 24 24 भंग है और इस 14 के 12 12 भंग है और 7 के 11 भंग के है ना वो। हाँ 320 गुना 24 और 7 गुना 12 और 7 गुना 4 भंग और 5 मतलब 5 भंग हो जाएंगे वे 7 के साथ तो 320 के भंग करेंगे यहाँ पर करते हैं बाजू में तीन सौ बीस के 24 गुणा करेंगे फिर हने 14 और 7 21 है ना वहाँ पर 14 को 12 से गुना किए ना बारह से गुना किया ना सात क्या सात ही लिए केवल और यहाँ सात को पाँच से गुना किया तो कितने हैं 24 शून्य 24 दूनी 48 अच्छा 4 24 से 72 और 4 76 फिर 90 के प्रथम भाग में 7 और द्वितीय भाग में 7 ही लिए और निवृत्ति के शेष भाग में 7 7 उपयोगी लिए मतलब दो प्रकृतिक एक उदय स्थान एक एक ही है ना एक एक ही लिया यहाँ पर उन्होंने अलग अलग किया है ना तो यहाँ पर अपन भी अलग करना पड़ेगा तो यहाँ पर दो उदय स्थान है और 7 उपयोग है
तो 14 की है ना यहाँ पर, लेकिन भंगों की अपेक्षा से अलग करना पड़ेगा। यहाँ जो दो का उदय स्थान है उसके साथ उपयोग के साथ भंग लेंगे तो उसके 12 भंग है, और जो एक प्राकृतिक स्थान है उसके जो है वो 11 भंग है। सात से गुना, वो प्रकृति से गुना किया ना, यहाँ 12 भंग से गुणा किया ना, और शेष भाग में 4 भंग लिए, केवल 5 भंग होते हैं ना वो। हाँ, मतलब यहाँ पर दो उदय स्थान है तो उसमें जो दो प्रकृति का उदय स्थान है, एक उदय स्थान उसके 7 मतलब है यहाँ पर बराबर उदय स्थान 14, लेकिन इस 14 में जो 7 दो प्रकृति का उदय स्थान है उसके भंग जो है वो 12 है, और जो दूसरे 7 आएंगे उसके भंग कितने हैं, 9वें गुण स्थान में 4 है और 10वें गुण स्थान में 1 है, 1 है। ऐसे 12 7 84 और 7 6 28 और 1 7 1 7। नहीं, वो अपनरुक्त लिए केवल, इसमें इस दो प्राकृतिक जो उदय स्थान है उसके भी 12 भंग लिए, 24 नहीं लिए, और जो एक प्राकृतिक स्थान है उसके पुनरुक्त 6 निकाल कर, पुनरुक्त 6 निकाल करके 5 ही भंग लेना, तो 9वें गुण स्थान में 4 और 10वें में 1। ऐसे 10वें में 7 उपयोग है उसके, ये 7 का 5 से एक साथ गुना करो या अलग अलग करो, एक ही है। तो यहाँ 8 और 7 15 और 4 19 हुए। अच्छा, 1 8 8 16 और 2 18 और 1 19 हुए, बराबर है। हाँ, एक हच्चा है ना वहाँ पर, इसका हच्चा आएगा 16 2 18 19, ये 9 और अच्छा 1, तो 7799 उदय स्थानों की अपेक्षा से इतने भंग होंगे, और प्रकृति की अपेक्षा से यहाँ पर 2120, इसको 24 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर जो ये है 7 प्रकृति 2 से गुना करेंगे ना, तो 14 ये अलग करेंगे, 3 है उसको एक साथ 7 से गुना किया ना, तो 2 प्रकृति को 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएंगे, 1 प्रकृति को 7 से गुना करेंगे तो उसके 7 होंगे। तो उसको अलग अलग लेते हैं, यहाँ पर प्रकृति की अपेक्षा से 120 उसको 24 से गुना करना, कितने हुए, 24 0 0 24 2 48 8 8 4 24 1 24 और 4 28 2 24 2 48 और 2 50, और जो दूसरे हैं वह 7 उपयोग और 2 प्राकृतिक स्थान है ना यहाँ पर, तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14, और उसके भंग 12 है, ये केवल उदय स्थान की अपेक्षा से लिया था ना 12, और फिर उसके बाद जो एक ही प्रकृति है तो 7 से गुना करेंगे, और हाँ प्रकृति 7 को एक प्रकृति से गुना करेंगे तो 7 ही रहेगी, और उसके भंग 4 बनेंगे, और 10वें गुण स्थान के 7 प्रकृति और उसके 4 भंग, एक ही भंग। यहाँ क्रोध मान माया लोभ लेंगे, और यहाँ सूक्ष्म लोभ होगा केवल, तो 14 × 12 तो 12 6 48 4 12 1 12 और 4 16 168, 7 6 28 और 7, तो कितने हुए, 8 8 8 16 और 7 23, 7 2 2 और 2 4 और 6 10 6 10 हो गए ना, 6 और 4 10 और 8 18, यहाँ 2 हच्चा था, 2 और 2 4 और 6 10
और आठ 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 रह, अच्छा एक आठ और एक नौ एक दस, अच्छा एक बराबर है। तो प्रकृति के उदय उपयोग की अपेक्षा से उदय स्थान 7,799 हो गए और प्रकृतियों की संख्या 51,083 हो गई। 491 नंबर का आता पढ़ना है। मिच्छ दुगे मिस्सते पमत्त सत्ते जिनेय सिद्धेय पणच सत्त दुगंचय उवजो गाहोंति दोच्चेव। मिच्छ दुगे मिथ्यात्व और सासाधन में क्रम से लगाना है नीचे की लाइन। मिच्छ दुगे पण छस मतलब पांच और छः, फिर मिसतिये मतलब तीसरे चौथे और पांचवे में, नहीं गलत हो गया, मिच्छ दुगे पण लगाना, मिथ्यात्व और सासाधन में पांच ही उपयोग, मिसतिये मिश्र चौथे और तीसरे चौथे और पांचवे गुण स्थान में छः उपयोग है, फिर पमत्त सत्य प्रमत्त से लेकर के सात गुण स्थानों में सत्य मतलब सात सात उपयोग है, जिने दुगम जिनेन्द्र में दो है उपयोग और सिद्धे दुगम सिद्ध में भी दो उपयोग, इस प्रकार दो चेव होते मतलब दो ही होते हैं, मतलब इतने संक्षेप में सब गुण स्थानों में उपयोग बता दिया। पहले दूसरे गुण स्थान में पांच, तीसरे चौथे पांचवे में छः, छठे से लेकर बारहवें तक सात उपयोग, तेरहवें में और चौदहवें में दो उपयोग। अब यहाँ उसकी अपेक्षा से कितने भेद होते हैं वो बताते हैं आगे। डायरेक्ट उन्होंने संख्या ही बता दी कितने कुल होते हैं भंग। नव नव दिशग सयाहिय सत्त सहस पमाण मुदयस ठानवी अप्पे जानसु जोगे मोहनीयस। नव नवदी मतलब 99, सगसय मतलब 700 अधिक, सत्त सहस मतलब 7,000 प्रमाण मतलब 7,799 ये उदय के स्थान विकल्पों में मोहनीयस व जोगे जानसु मोहनीय के उपयोग में इतने स्थान विकल्प है ऐसा तुम जानो, मतलब इतने उपयोग के साथ इतने मोहने के उदय स्थान लेंगे तो 7,799 प्रकार होंगे। अलग अलग उपयोग ले लो और उसके साथ में सब उदय स्थान और उसके एक एक उदय स्थान के 24-24 भंग ऐसे लगाएंगे तो 7,799 भेद होते हैं। अब प्रकृतियों की अपेक्षा से बताते हैं आगे की गाथा में। 51,000 तेसीति समन्नियं वियाणाहि पैडीनं परिमाणं उवजोगे मोहनीयस। 51,000 तेसीति समन्नियं 83 से युक्त वियाणाहि मतलब जान क्या उवजोगे मोहनीयस पैडीनं परिमाण उपयोग में मोहनीय के प्रकृतियों के परिमाण इतना जाने 51,083 इतने भेद होते हैं प्रकृतियों के उपयोग, एक एक उपयोग में एक एक प्रकृति ऐसा लेंगे तो इतने भेद होते हैं। अब आगे योग की अपेक्षा से बताते हैं। उदय स्थान और प्रकृति दोनों की अपेक्षा से बताया। अब आगे योग के का आश्रय करके गुण स्थानों में वो बताते हैं मोहने के भंग। अब यहाँ पर अपन पहले उपयोग देखते हैं, आपको सबको मालूम है अब आना चाहिए। अब पहले गुणस्थान में कितने योग होते हैं बिना इसमें देख कर, कौन से दो नहीं है, आहारक द्विग नहीं है मतलब आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग को छोड़कर 13 योग है, मतलब पर्याप्त अवस्था के कितने योग होते हैं 10 और अपर्याप्त के 3 ऐसे यहाँ 13 होंगे। 10 पर्याप्त योग और 3 अपर्याप्त योग ऐसे मिला करके 13 उपयोग पहले गुण स्थान उपयोग नहीं योग होते हैं। चार मनोयोग, चार वचन योग, औदारिक का योग, वैकरिक का योग और औदारिक मिश्र वैकरिक मिश्र और कानमन का योग 13 हुए। दूसरे गुण स्थान में गाता है ना तिसु 13
तीन गुण स्थानों में 13 योग आते हैं, तो यहाँ पर भी यही 13 योग होंगे। मिश्र में कितने उपयोग होते हैं? अपर्याप्त के योग कम करना, 3 कम हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग और अवधारी का योग, एकरेक का योग। चौथे गुण स्थान में कितने योग होते हैं? 13, क्योंकि यहाँ पर भी अपर्याप्त अवस्था होती है। तो ये 13 ये 3 गुण स्थानों में 13 है, ये याद रखना, क्योंकि ये अपर्याप्त के योग गुण स्थान है। अब पांचवे गुण स्थान में कितने उपयोग होंगे? कौन से 9 होंगे? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक का योग। कितने गुण स्थानों में 9 उपयोग है? पांचवे में और सातवें से लेकर 12वें तक कितने उपयोग है? 9 ही उपयोग है। योग उपयोग उपयोग आ रहे हैं बीच बीच में, योग होते हैं। तो पांचवे में 9, 11, छठे में केवल 2 बढ़ जाएंगे, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। तो 11 उपयोग है, उपयोग नहीं योग है, 11 योग है। सातवें में 9, आठवें में 9, नवे में 9, दसवें में 9, ग्यारहवें में 9, बारहवें में 9, तेरहवें में कितने है योग? हाँ, अवधारिक का योग, अवधारिक मिश्र योग, कर्मण का योग, असत्य और उभय 2 वचन योग और 2 मनोयोग कम हो जाते हैं। और 14वें में योग नहीं है, 0 है। उदय स्थान तो अभी देखे ही है, वही रहेंगे मोनी के, और ये प्रकृति संख्या है। अब उदय स्थानों को योग से गुना करेंगे तो योग की अपेक्षा से उदय स्थानों की संख्या आएगी। तो यहाँ 8 गुणित 13 टे कितना होता है? 104। फिर इसको 13 से गुना करना, दूसरे में भी 13 योग है, तो 13 चौ 52। तीसरे में कितने योग है? 10 है, 10 गुना 4 40। चौथे में 13 योग है, 13 गुणित 8 104। पांचवे में 9 योग है, 9 अट्ठे 72। छठे में 11 योग है, 11 गुणित 8 88। दसवें में 9 है योग, 9 अट्ठे 72। दसवें में नहीं, आठवें में 9 ही उपयोग है, तो 9 चौक 36। इतना का जोड़ करो अलग, तो कितने हुआ? 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 4 28, 28 और 2 24 और 4 28, 8 4 2 3 और 5 12 20 27 31 36 36 13 और 1 4 और 1 5 बराबर है ना। उसमें देखो नोट्स में, अच्छा बराबर है वो योग, हाँ बराबर है वो योग, सब नहीं होंगे उसमें, बराबर है। वो जो 8 स्थान है ना, उसमें 4 स्थान में तो 13 उपयोग होंगे, और 4 स्थान अनंतानुबंधी रहित है, वहाँ पर अपर्याप्त अवस्था नहीं, तो वहाँ 10 ही योग होंगे। हाँ तो 10 योग होंगे, तो उसमें अलग अलग लिखा लेंगे। पहले में ही ना, बाकी सभी जगह बराबर है ना, हमने भी मैंने भी देखा नहीं आज कुछ भी वो आगे का मैटर। 4 कुट है उसमें 13 योग, तो कितने बनेंगे? 52 बनेंगे, और 4 स्थानों में उपयोग 10 ही होंगे पर्याप्त के, तो 40 होंगे, बराबर है। देखते एक बार, दूसरे गुण स्थान में जो 13 योग है उसमें से वैकरिक मिश्र का अलग लेंगे, क्योंकि भंग अलग होंगे उसके, क्योंकि अपने को इसके साथ एक साथ 24 का भंग करना, 24 से गुना करना है ना। लेकिन दूसरे गुण स्थान में जो वैकरिक मिश्र का योग आएगा तो उसमें वो 24 भंग नहीं होंगे, क्योंकि नपुसक वेद नहीं होगा वहाँ पर, और भी कम हो जाएंगे भंग, तो उसके भंग सब अलग ही निकालेंगे।
तो दूसरे गुण स्थान में भी 12 उपयोग के लेना, इसमें सब संभव है, वैकृत मिश्र में संभव नहीं, क्योंकि वैकृत मिश्र वहाँ केवल देवों की अपेक्षा से होता है और उसमें नपुसक वेद नहीं होता है, इसलिए भंग कम हो जाएंगे उसके। तो 4 × 8, 8 × 16 हो जाएंगे, 24 की जगह कम हो गए। हाँ और हाँ बराबर है। और छठे गुणस्थान में भी जो भंग हो गए आहारक और आहारक मिश्र जो है उसको अलग लेंगे, क्योंकि वो सब वेदों में नहीं होता है, उसका उदय भी आहारक का उदय पुरुष वेद में ही होता है, इसलिए यहाँ नहीं, यहाँ पर हाँ चौथे में भी जो वैक्रियक मिश्र और औदारिक मिश्र दोनों का लिया ना अलग, नहीं कार्मण का योग का, चौथे गुणस्थान में वैक्रियक मिश्र का योग और कार्मण का योग ये दो घटाना, तीनों भी घटाएं, 10 ही लेना इसमें, मैंने अपर्याप्त अवस्था में सब भंग नहीं बनते हैं इसलिए वो कम कर रहे हैं था। तो यहाँ पर चौथे गुणस्थान में ये पहले गुणस्थान में हुए ना, ये दूसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में, अब चौथे गुणस्थान में 13 योग है, इसमें से केवल 10 ही योग लेना अपने को पर्याप्त के, इसके अलग लेंगे, इसके चौथे तीसरे गुणस्थान के नहीं, दूसरे गुणस्थान का वैकृत मिश्र का, फिर चौथे गुणस्थान का औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र और कार्मण का योग का अलग लेंगे तो 80 भंग होंगे। यहाँ पांचवें गुणस्थान के तो सब रहेंगे क्योंकि वहाँ पर वैकृत मिश्र नहीं है, और छठे गुणस्थान में भी आहारक और आहारक मिश्र का अलग लेंगे, ये 11 है वहाँ 9 ही लेंगे, तो कितने हो गए 72 हो गए। मगाच सगळं काढा परत, हे हिटलं जे इथून केलं ते सगळं पुसाने व परत हे करू। हाँ अभी बताते हूँ सब, उसके भंग भी अलग करेंगे ना तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर अपन ने उदय स्थानों की संख्या और योगों की संख्या देखी है, तो पहले गुण स्थान में कुल 8 कुट है, उसमें से 4 जो है उसका उदय 13 योगों में होता है, इसलिए 13 चौक उसके 52 भेद हुए। फिर दूसरे जो 4 है अनंतानुबंधी रहित स्थान, वो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, इसलिए उसमें 10 ही योग होंगे, इसलिए उसके कितने भेद हुए 40 हुए। दूसरे गुणस्थान में 13 योग है लेकिन वैकृत मिश्र का योग में 24 भंग नहीं पाए जाएंगे क्योंकि उसमें नपुसक वेद का उदय नहीं रहता है, इसलिए आप 12 ही योग लेना, फिर उसके अलग निकालेंगे क्योंकि उसको अलग भंगों से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 चौक यहाँ पर कितने होंगे 48 होंगे। फिर चौथे तीसरे गुणस्थान में तो 10 योग है और 4 उदय स्थान है तो 40 हो गए। चौथे गुणस्थान में 8 उदय स्थान है और 13 योग है लेकिन इसमें जो अपर्याप्त योग है औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र और कर्मण का योग, तो वहाँ औदारिक मिश्र में जब चौथा गुणस्थान होगा तो वहाँ स्त्री वेद का उदय नहीं है और नपुसक वेद का भी उदय नहीं है, केवल एक पुरुष वेद का ही उदय है, और वैकृत मिश्र में केवल नपुसक वेद का ही उदय है, नपुसक और पुरुष वेद का, स्त्री वेद का उदय नहीं है, क्योंकि वैकृत मिश्र का योग में जब चौथा गुणस्थान होगा तो नरक में नपुसक वेद की अपेक्षा से नरक की अपेक्षा से नपुसक वेद है और देवों की अपेक्षा से पुरुष वेद है, स्त्री वेद का उदय चौथे गुणस्थान में नहीं पाया जाता है, अपर्याप्त अवस्था में चौथे गुणस्थान में स्त्री वेद का उदय नहीं है, इसलिए भंग उसके अलग करेंगे। और वहाँ पर कर्मण का योग में भी वहाँ स्त्री वेद नहीं होगा चौथे गुणस्थान में, इसलिए उसके अलग करेंगे तीन योगों के। तो यहाँ 10 पर्याप्त योग जो है उसको 8 से गुणा किया तो 80 हो गए। चौथे पांचवें गुणस्थान में 8 स्थानों के 9 9 योग है तो 72 हो गए। छठे गुणस्थान में भी 11 योग है लेकिन आहारक और आहारक मिश्र, नपुसक वेद और स्त्री वेद में नहीं होता है, इसलिए उसके अलग लेंगे भंग। तो यहाँ 9 पर्याप्त योग ही लिए, मतलब पर्याप्त योग नहीं, मतलब 9, 4 मनोयोग, 4 वचनयोग और औदारिक का योग, तो इसके 72 हो गए। नहीं अपर्याप्त में मतलब आहारक मिश्र का योग जो है उस समय ये 8 तो उदय स्थान रहेंगे लेकिन उसमें भंग कम बनेंगे,
पुरुष वेद का ही भंग बनेगा, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के कम होंगे, तो चार दुने आठ ही भंग हो जाएंगे वहां पर, उसका अलग करेंगे अपन। फिर यहाँ सातवें गुण स्थान में नौ योग है, आठ उदय स्थान है, तो 72 हो गए। आठवें गुण स्थान में चार योग है, चार उदय स्थान है, नौ योग है, तो उसके 36 हो गए। तो इसके कुल कितने हुए वो देखो, यहाँ पर दो और आठ और दो 10, 10 और दो 12, 12 और दो 14, 14 और दो 16, 16 और छः 22, अच्छा दो, दो और तीन 5, 7 और 7 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 8 34, 38 42, 46 और 5 51, बराबर है क्या? अब 512 हो गए। और आगे जो दो है उसके उदय स्थान के योग कितने बताए? 9 ना, 9 होंगे, इसके 18 हुए ना, 18 और 9। अब प्रकृति के देखेंगे यहाँ पर, तो प्रकृति की अपेक्षा से भी अपन कम करना पड़ेगा ना वहाँ पर। हाँ, क्या करना है क्या? ये तो रहने दो कि योग संख्या इतनी होती है ना उस गुणस्थान में, गुणस्थान में उतना योग होता है, लेकिन उसमें से अपन ने इतना लिया है उसका वो अलग लेंगे, योग को गुना करेंगे तब। अब यहाँ प्रकृतियों की जो संख्या है इसमें भी अलग अलग लेंगे। यहाँ जो चार उदय स्थान है उसकी कितनी संख्या है? 36। 36 को 13 से गुना करेंगे और 32 को, ये 32 है उसको 10 से गुना करेंगे। आए समझ में? जो पहले 36 प्रकृतियां है उसमें तो 13 योग है, तो इसलिए 36 को 13 से गुना करेंगे, और दूसरे जो 32 प्रकृतियां उसमें 10 ही योग है इसलिए 10 से गुना करेंगे। तो 36 गुना 13 यहाँ पर अपना रह गए ना। अड़सठ है वहाँ उसकी जगह, 36 गुना 13 और 32 गुना 10 होगा। फिर यहाँ दूसरे गुणस्थान में 32 ही संख्या होगी प्रकृति की, लेकिन योग अपने यहाँ कितने लेंगे? 12 ही लेंगे। तीसरे गुणस्थान में 32 ही संख्या और उसके 10 योग है। चौथे गुणस्थान में 8 पहले की 32 है, 32 मतलब 60 ही लेंगे और उसको 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करेंगे। पांचवें गुणस्थान में 52 प्रकृतियां हैं और 9 योगों से गुना करेंगे। छठे गुणस्थान में 44 है, उस 11 से न करके 9 से करेंगे, यहाँ पर भी 9 से करेंगे, पर भी 9 से गुना करेंगे। सब जगह योग 9 है ना वहाँ पर, तो यहाँ कितने हुए? 36 गुना 13 468 हुए, या 32 गुना 10 320 हुए, 32 गुना 12 384 हुए, 320 हुए, फिर 600 हुए, फिर 52 गुनिले 9, 9 दुने 18, अच्छा 1, 9 पचा 45 और 468, बराबर है ना। फिर 44 गुणित 9, 9 चौक 36, अच्छा 3, 9 चौक 36 और 3 39, यहाँ पर भी 396 होंगे और यहाँ 180 होंगे, 20 गुना 9, इतने का जोड़ करेंगे, इसके 24 भंग होंगे। तो इसके कितने होते थे? 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और
26 और 6 32 2003 8 और 3 11 11 और 9 20 29 29 और 6 35 37 45 47 और 6 53 अच्छा 5 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16 16 और 6 22 22 और 3 25 और 3 28 और 3 31 और 4 35 बराबर है ये 3532 हुए। और नीचे यहाँ पर अलग अलग किया या एक एक दो प्रकृति स्थान को 9 से गुना किया तो 18 हुए और एक प्रकृति स्थान को 9 से गुना किया तो 9 हुए और एक का 9 ऐसे हो जाएंगे। तो इसको अलग अलग से गुना करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी ये एक साथ करो या अलग अलग करो, दो प्रकृति स्थान के 9 योग और एक प्रकृति स्थान के 9 योग ऐसे भंग निकालेंगे अपन। ये 512 इसके हर एक के भंग कितने होंगे 24, 512 गुणित 24 तो इन्हें 24 दूनी 48 अच्छा 4 24 एक 24 और 4 28 अच्छा 2 24 और 5 24 पंचे 120 और 2 122 बराबर है। और आगे जो है 9 भंग दो प्रकृतिक 9 यहाँ इसलिए अलग अलग करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो दो प्रकृतिक एक उदय स्थान फिर एक प्रकृतिक एक उदय स्थान 9 9 ऐसे करेंगे तो ये इसके भंग होते हैं 12, दो प्रकृतिक जो है उसके भंग 12 होंगे तो 9 गुणित 12 करेंगे एक सौ आठ होंगे। फिर जो एक प्रकृतिक है उसके 9 है उसके भंग 4 होंगे 9 चौ 36 होंगे और जो 9 प्रकृतिक है उसके 1 होंगे तो 9 यहाँ पर तो 8 और 8 16 और 6 22 22 और 9 31 अच्छा 3 8 और 3 11 और 3 14 अच्छा 1 2 और 1 3 और 1 4 12000 441 उदय स्थान की अपेक्षा से इतने अभी इसमें जोड़ना है वो अलग निकाले ना अपन ने मिश्र के अलग है वो ये 12441 बराबर हुए। प्रकृतियों की अपेक्षा से कितने 3532 गुना 24 किया तो कितना आया है 24 दोनी 48 अच्छा 4 24 दिया 72 और 4 76 अच्छा 7 24 पच्चा 120 और 7 127 अच्छा 12 24 दिया 72 और 12 84 और यहाँ पर प्रकृति की अपेक्षा से 9 दोनी 18 हो जाएगा और उसके 12 भंग तो यहाँ कितने हो जाएंगे 200 12 96 6 अच्छा 9 12 के 12 और 9 21 216 फिर यहाँ 9 चौक 36 ही होंगे क्योंकि एक ही प्रकृति है 36 और यहाँ 9 होंगे 8 और 6 और 14 14 और 6 22 22 और 9 31 बराबर है ना नहीं 8 और 6 14 और 8 और 6 14 और 6 20 और 9 29 अच्छा 1 3 और 1 4 और 1 5 और 6 11 अच्छा 1 7 और 2 9 और 1 10 कुठे 2 अच्छा लाले हित काय हाँ 2 अच्छा आया तो 22 हुए ना 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 अच्छा 1 7 और 2 9 और 1 10 अच्छा 1 5 85,029 इतने प्रकृति की अपेक्षा से ये भंग हुए। और जो सासादन के वगैरह जो अब रह गए हैं वो कितने होंगे भंग इसमें यहाँ नीचे निकालते अपन
गुणस्थान पहला, पहले गुणस्थान के तो निकाले हैं पूरे, दूसरे गुणस्थान के व्यतिरिक्त मिश्र के निकालने ना, दूसरा गुणस्थान है सासाधन, ये सब पोच के इधर ही करते हैं। दूसरा गुणस्थान यहाँ पर वैकृत मिश्र का योग लेना है, उदय स्थान उसके चार है, चार है तो उसके प्रकृतियों की संख्या कितनी है, चार की 32 है, पहले चार को एक से गुना करेंगे तो चार होगा, एक वैकृत मिश्र का योग है ये, और प्रकृति संख्या में एक योग को 32 है प्रकृतियाँ, चार स्थान की प्रकृतियाँ कितनी है 32 है, 32 से गुना करेंगे, टाइम हो गया 32 हो गए और यह चार हो गए, जो चौथा गुणस्थान है उसमें योग 3 कम किए थे तो 3 योग उसके अलग अलग लिए क्या, असहित के अलग अलग लेंगे ना, औदारिक मिश्र के भंग अलग होंगे और उसके भंग अलग होंगे इसलिए अलग अलग लिया, वैक्रेक मिश्र और कारमन का योग, ये दो योग लेना, उद योग संख्या कितनी होगी वहाँ पर, ये योग हो गए और ये चार उदय स्थान, चार ही उदय स्थान होंगे ना उसके, क्षय सम्यक तो और वो लिया है क्या सब पूरा, हाँ 8 है, इसको अपन कल ही निकालते हैं, हाँ इस टाइम हो गया है ज़्यादा। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, देखिए अपने को, यह मैं अनादि अनंत एक उपयोग स्वरूप ही हूँ, उपयोगमय हूँ, इस मेरे उपयोग में मोह के लिए जगह नहीं है, मोह अलग है मैं अलग हूँ, मैं उपयोग स्वरूप हूँ मैं मोह स्वरूप नहीं हूँ, जानिए यह मैं मोह से भिन्न असंयुक्त स्वरूप हूँ, मैं योग स्थान से भी अत्यंत भिन्न हूँ, योग मेरा स्वभाव नहीं है मैं उपयोग स्वरूप हूँ, जानिए यह मैं सहज उपयोग स्वरूप हूँ, क्षौपशमिक उपयोग स्वरूप नहीं हूँ, उपयोग से ही मैं बना हुआ हूँ, उपयोगमय हूँ, मेरा अस्तित्व उपयोगमय है, जो कुछ उपयोग चल रहा है वह मेरे असंख्यात प्रदेशों में ही चल रहा है, मेरे असंख्यात प्रदेश उपयोगमय है, कर्ममय नहीं है, मोहमय नहीं है, मोह के उदय स्वरूप नहीं है, मोह का उदय तो कारमन शरीर में है मेरे ज्ञान शरीर में नहीं है, जानिए मेरा ज्ञान शरीर पूर्णतः अलिप्त है, निराला है, शुद्ध है, शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञान शरीर स्वरूप उपयोग स्वरूप एकोहम शुद्धोहम निरंजनोहम। ओ विसर्जन नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा।